नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल के ऊपर। मेरा नाम है संदीप, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में दोस्तों स्टील डिजाइन की बात करने वाले हैं और स्टील डिजाइन सब्जेक्ट ज्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड से रिलेटेड, IAS 800 से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से कोड्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछते हैं और टॉपिक के अंदर पर्टिकुलरली कौन से पॉइंट से क्वेश्चन उठ करके एग्जाम में आते हैं, इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे इस सेशन में। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स बिगिन आवर सेशन। दोस्तों अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अपनी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो संदीप जानी सिविल इंजीनियरिंग ऐप का नाम है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आप अपने सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया और बाकी जो हैंडल्स हैं उनके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ में दोस्तों ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप के ऊपर आप टेस्ट सीरीज जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने पहले कॉम्बो बैच के अंदर, प्री टू मेंस बैच के अंदर या फिर जो हमारा क्रैश कोर्स है उसके अंदर आपने एनरोल कर रखा है तो ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। सिंपली आपको करना क्या है, जो आपका व्यू माय कोर्स या माय परचेजेस है उसमें आपको जाना है, वहां जा करके आपको ये टेस्ट्स में दिख जाएगा। तो टेस्ट में आप अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और अपकमिंग टेस्ट जो है वो आते रहेंगे और आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में जैसे ही आप टेस्ट पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने नहीं किए, कितने रॉन्ग है, कितने सही हैं, प्रॉपर उनका पूरा एनालिसिस, कितना टाइम आपको लगा क्वेश्चंस को करने में, फिर आपने जो क्वेश्चन नहीं किए हैं उनके सॉल्यूशन क्या है, आपने जो किए हैं उनके सॉल्यूशन क्या है, वो आपको सेग्रीगेट करके सेपरेटली मिल जाएंगे प्रॉपरली, जिससे कि आप चेक कर पाएंगे कि क्या गड़बड़ हुई आपसे और उन्हीं क्वेश्चंस पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे आप, जो आपसे गलत हुए हैं तो उन पे आप वर्क कर सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल बेसिक, स्टील और कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट जो है उससे हम जैसी शेप देना चाहें वैसी शेप दे सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन स्टील आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है कम वेट के अंदर, दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो वो इतनी सी अच्छी सी बात है। बाकी छोटे छोटे कंपैरिजन पे या ज़्यादा कहानियों पे अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है अभी फिलहाल कि एग्जाम में क्या पूछता है, तो एग्जाम में ये सारी कहानियाँ नहीं पूछता, ये तो एक बेस बनाने के लिए होता है। बात करें स्टील के स्ट्रक्चर्स की तो ये हमें प्लेट्स की फॉर्म में, शीट्स की फॉर्म में देखने को मिलते हैं, जैसे कि रूफ़ कवरिंग्स होती हैं, चिमनीज होती हैं, इनके अंदर आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेगा। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जैसे ट्रस हो सकता है, आपके बिल्टअप मेंबर्स हो सकते हैं, गर्डर्स हो सकती हैं, इनमें देखने को मिलता है। देन आपके पास फ्रेम्ड बिल्डिंग्स हैं, उनमें स्टील देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, वेयर हाउस, गोडाउन्स, इनके अंदर आपको देखने को मिलता है। ब्रिजेस के अंदर देखने को मिलता है, रेल और रोड के जो ब्रिजेस होते हैं वहाँ पे आपने इन्हें देखा होगा। ओवरहेड टैंक्स के अंदर स्टील का इस्तेमाल होता है। स्टैक्स जो होती हैं या चिमनीज जो होती हैं इनके अंदर आपको देखने को मिलता है। देन ट्रांसमिशन लाइन टावर्स जो होते हैं, पावर टावर्स जो होते हैं, उनमें आपको देखने को मिलता है। कौन सा कोड हम यूज़ करते हैं, तो इंडियन स्टैंडर्ड 800 हम यूज़ करते हैं। कौन सा कोड यूज़ करते हैं, IAS 800 2007 हम यूज़ करते हैं। इसका रीअफर्म्ड वर्जन यानी कि इसकी फिर से पुष्टि की गई, 2022 का वर्जन अवेलेबल है। लेटेस्ट कोड डाउनलोड करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की वेबसाइट पे आपको जाना है और वहां जाकर के सिंपली बेसिक साइनअप करना होता है, कोड आ जाएगा, फ्री PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कृपा करके एक बार फिर से मैं आपको कहूँगा, दानवीर ना बने, मदद करने के और बहुत तरीके होते हैं, ये तरीका सही नहीं है कि आप वो जो PDF वहां से डाउनलोड कर रहे हैं कहीं भी उसको शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उस PDF के अंदर प्रॉपर वाटर मार्किंग आएगी, आपका नाम आएगा, आपका उसके अंदर जो आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन किया है उनकी डिटेल्स आएगी, IP एड्रेस आएगा, सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। तो किसने वो PDF लीक की है, इट कैन ईजिली बी ट्रैक्ड। लीक करने का जैसा है एज सच तो कुछ नहीं है, लेकिन कि लीक कर दी वो फ्री टू एक्सेस है ही, लेकिन आप उसे शेयर नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर योर ओन पर्सनल पर्पज ओनली। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IAS 800 2007 आपको यूज़ करना है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था तो आपको प्रॉपर पूरा सारी चीज़ें मेंशनड आती हैं इसके अंदर, तो शेयर ना करें, सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए आप इसे रख सकते हैं। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, रोल्ड स्टील। रोलिंग के प्रोसेस से जो स्टील बनता है वो रोल्ड स्टील होता है।
आई सेक्शन के फॉर्म में होता है, तो सेक्शन की बस शक्ल देख लीजिए ताकि वर्ड्स क्वेश्चन में जब आएँ तो आपको पता हो ये आई सेक्शन होता है। क्रॉस सेक्शन में आई दिखता है, सी सेक्शन अगर दिखता है तो इसे चैनल सेक्शन बोलते हैं, एंगल सेक्शन कुछ इस प्रकार का दिखता है, टी सेक्शन कुछ इस शेप का होता है, स्क्वायर हॉलो सेक्शन या रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन, या आपके पास सर्कुलर हॉलो सेक्शन आ जाता है। बार्स और हॉलो सेक्शन में डिफरेंस क्या है, बार अंदर से सॉलिड है, ये हॉलो है। अगर ये स्क्वायर हॉलो सेक्शन बोला तो बीच में गैप है, अगर आपको स्क्वायर बार बोली तो मतलब ये सॉलिड है। फ्लैट और प्लेट में डिफरेंस क्या है, जब फ्लैट की विड्थ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो प्लेट बन जाएगी, या यूँ कह लें कि प्लेट को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया लेंथ के पैरेलली कट करके तो वो फ्लैट्स बन गए, ऐसे समझ लीजिए। तो फ्लैट वर्ड अगर यूज़ हो, क्योंकि बाकी सब हम जानते हैं, बार्स हम जानते हैं, प्लेट्स हम जानते हैं, हॉलो सेक्शन बोलेगा तो भी हम पहचान जाएंगे, लेकिन कई बार फ्लैट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो फ्लैट का मतलब कुछ इस तरीके का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। प्योर आयरन जो है वो हमारे एज स्ट्रक्चर में काम नहीं आता, प्योर आयरन नॉन अलॉय जो है जिसके अंदर कोई भी अलॉय नहीं मिक्सड है। पिग आयरन की भी एज स्ट्रेंथ नहीं होती है, कार्बन कंटेंट जो होता है इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। फिर कास्ट आयरन आता है, ये वो है जिसे हम हमारे स्ट्रक्चर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लोड बियरिंग मेंबर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में ये इस्तेमाल होता है। देन रॉट आयरन आता है, स्टील आता है हमारे पास, स्टील जो है वो आयरन का अलॉय है जिसके अंदर क्रोमियम रहेगा, निकल रहेगा, कॉपर रहेगा, मैग्नीशियम, डिपेंडिंग अपॉन हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं। प्योरिटी के अकॉर्डिंग एग्जाम में सीक्वेंस आपसे पूछ सकता है कि किस में सबसे कम कार्बन कंटेंट है। सो पिग आयरन, कास्ट आयरन, पिग आयरन ने कास्ट आयरन से कहा कि स्टील का कार्बन हाई, मीडियम, लो क्यों है, तो रॉट आयरन ने बताया प्योरिटी की तरफ जा रहा है। तो अगर कार्बन कंटेंट में कंपैरिजन पूछे कि किसका सबसे कम है तो बताना चाहिए आपको। माइल्ड स्टील का बेसिक प्रॉपर्टीज़ की कार्बन कंटेंट लगभग 0.23% होता है। स्टेनलेस स्टील जो है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है, 18%। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ऑल स्टील, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, अलग अलग टाइप के स्टील्स के बारे में दे देगा और पूछ लेगा कि इनका सेम होता है डिफरेंट होता है, तो आपका आंसर होगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सभी स्टील के लिए 2×10⁵ सेम होता है। यूनिट वेट ऑफ स्टील 7850 kg पर मीटर क्यूब याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं। एल्यूमिनियम का होता है 1/3 ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम का जो होता है इसके 1/3 होता है, ये आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम का यूनिट वेट आपको याद रखना है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसका, स्टील का, वो आपको याद रखना है 0.769×10⁵ MPa। पॉइजन्स रेशो, इलास्टिक रेंज के अंदर स्टील पॉइजन्स रेशो 0.3 शो करता है और प्लास्टिक रेंज के अंदर 0.5 शो करता है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अल्फा ऑफ स्टील अल्फा ऑफ कंक्रीट के बराबर होता है 12×10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बेसिक सा पूछ लेता है कि RCC में स्टील और कंक्रीट एक साथ क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका अल्फा नियर अबाउट ही होता है, लगभग बहुत क्लोज होता है। एल्यूमिनियम का 23×10⁻⁶ होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, ये सब अपने आप में एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे के सारे अपने आप में एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। IS-456 RCC में यूज़ होता है, 800 स्टील के अंदर इस्तेमाल होता है, 1343 प्री स्ट्रेस में यूज़ होता है, 10262 डिज़ाइन मिक्स में यूज़ होता है, ये तो रिसेंटली 2-3 एग्जाम में रिपीट होता चला आ रहा है। IS-383 ये भी लास्ट 2 एग्जाम में एज इट इज़ रिपीट हुआ है, फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट के लिए हम यूज़ करते हैं। देन IS-875 के टोटल 5 पार्ट्स होते हैं, अक्सर हमें 4 क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं क्योंकि ABCD 4 ऑप्शन होते हैं। तो पार्ट 1 जो है दैट इज़ रिलेटेड टू डेड लोड्स, पार्ट 2 इज रिलेटेड टू लाइव लोड या इम्पोज लोड, पार्ट 3 इज रिलेटेड टू विंड लोड, पार्ट 4 किससे रिलेटेड है, स्नो लोड से रिलेटेड, पार्ट 5 स्पेशल लोड्स। तो 5 टाइप का इसके अंदर लोड्स के बारे में, इसके 5 पार्ट्स हैं IS-875 के। ठीक है, चलें आगे। देन सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि आई सेक्शन जो है
उसके फ्लेंज को किसके लिए डिज़ाइन करते हैं? बेंडिंग स्ट्रेसेस के डायग्राम को देखें तो बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बाय वाई इक्वल्स टू एम बाय आई इक्वल्स टू ई बाय आर, तो बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होते हैं आउट मोस्ट फाइबर के ऊपर, तो कंप्रेशन फ्लेंज के टॉप मोस्ट फाइबर पर मैक्सिमम स्ट्रेस है, टेंशन फ्लेंज के बॉटम मोस्ट फाइबर पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है। इसीलिए फ्लेंज को डिज़ाइन करते हैं किसके लिए? बेंडिंग के लिए। अगर हम फॉर्मूला यूज करें टाउ इज इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन आई बी, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि शीयर स्ट्रेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द सेक्शन। तो जहाँ पर विड्थ कम वहाँ पर शीयर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा, विड्थ सबसे कम कहाँ पर है? वेब वाले रीजन में, तो शीयर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा यहाँ देखने को मिलेगा। तो वेब को किसके लिए डिज़ाइन करते हैं? शीयर के लिए। फ्लेंज को किसके लिए डिज़ाइन करते हैं? बेंडिंग के लिए, क्योंकि एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो अगर आप देखेंगे सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, न्यूट्रल एक्सिस से जितने डिस्टेंस पे आप जाएंगे उतने ही वाइब आपका बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। तो सिग्मा मैक्सिमम आउटर मोस्ट फाइबर पर हमें देखने को मिलेगा। इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम सेक्शन ISLB 300 से इसे डिनोट करेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसा ही देखने को मिलेगा स्टेटमेंट फॉर्म में। इन ISLB 300 डिनोट्स ओवरऑल डेप्थ उसकी बता रहा है। ISMB की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम फ्लेंज बीम आ गया। ISWB की बात करें तो वाइड फ्लेंज बीम आ गया। देन ISJB की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। ISHB तो हैवी बीम है। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट सेक्शन, ऑप्शन था ISHB, तो ISHB चूज करना है। एंगल सेक्शन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा कि इफ एन एंगल हैज़ डायमेंशन 100 by 100 by 10, तो इसकी थिकनेस क्या होगी जो प्लेट इसमें यूज की? तो थिकनेस विल बी 10 mm। ये फर्स्ट लेग का डायमेंशन, ये सेकंड का डायमेंशन, ये थिकनेस का, तो थिकनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपको पता होना चाहिए ISA मींस इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन और बाद में इसके डायमेंशन समझ में आने चाहिए। फिर इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज टी सेक्शन हमारे पास, या फिर इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड टी सेक्शन, ये आपको दिए हुए होंगे। चैनल सेक्शन के अंदर जूनियर चैनल सेक्शन है तो ISJC हो जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल सेक्शन है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शन है। इन ISMC 300 द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द चैनल इज, तो आप बता पाएंगे कि कितनी है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा इन ISMC 300 इफ, इन ISMC 300 इफ द थिकनेस ऑफ फ्लेंज इज 20 mm, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लेंज। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ऐसे बोलेगा इन ISMC 300 If the thickness of flange is 20 mm, what is the clear distance between the flanges? तो सिंपली क्या बताना है, ये पूछा है 300 हमें समझ में आना चाहिए। ISMC 300 का मतलब 300 ये पूरा है, 20 यहाँ से हटाएं, 20 यहाँ से हटाएं, 40 हटाना है तो 260 आ जाएगा। बस इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है जस्ट टू चेक कि क्या आपको पता है ISMC 300 में 300 क्या है, दैट्स इट। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन अ फ्लैट सेक्शन आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछेगा कि अगर फ्लैट सेक्शन आपको दे रखा है, इन अ फ्लैट सेक्शन इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट सेक्शन 50 ISF 8, 8 डिनोट्स, 8 क्या है? 50 लिखी होती है इसकी पहले विड्थ, फिर 8 लिखी हुई होती है इसकी थिकनेस, तो बस ये पूछेगा आपसे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या पूछेगा, 50 विड्थ है आपके पास इस सेक्शन में, 50 विड्थ रहेगी और 8 जो है 8 इज थिकनेस ऑफ प्लेट, एंड ISF डिनोट्स इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट सेक्शन। चलें आगे बढ़ते हैं। यूनिएक्सियल टेंशन टेस्ट आ जाता है। यूनिएक्सियल टेंशन टेस्ट के अंदर याद क्या रखना है, नॉमिनल शीयर, नॉमिनल स्ट्रेस का मतलब है फोर्स अपॉन ओरिजिनल एरिया, टेस्ट करने से पहले जो एरिया था वो, फोर्स अपॉन किसी भी इंस्टेंट पे जो एक्चुअल एरिया होगा आपके स्टील स्पेसिमेन का, वो अगर कंसिडर किया जाएगा तो वो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कहलाता है। आपको याद रखना है कि जब हम माइल्ड स्टील कर्व बनाते हैं, ओ से ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन,
बी तक इलास्टिक लिमिट होती है, लोड हटाया तो मटेरियल वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में, बी से सी पे पहुंचे तो सी अपर यील्ड पॉइंट है, बी के बाद यील्डिंग शुरू हो गई, परमानेंट डिफॉर्मेशन आना शुरू हो गया, मटेरियल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग देखने को मिली लेकिन स्ट्रेस में इतना ज़्यादा कोई चेंज नहीं देखने को मिला, उसके बाद जब मटेरियल को और स्ट्रेन करने की कोशिश की, हमने और खींचने की कोशिश की तो उसने रेजिस्टेंस शो किया तो स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन आया, स्ट्रेस बढ़ा, फिर स्ट्रेस एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा करके हमें दिखा कि स्ट्रेस गिरता चला जा रहा है, इलोंगेशन और आ रहा है लेकिन स्ट्रेस गिरता चला जा रहा है, नेकिंग शुरू हो गई, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस होता चला जा रहा है और फिर एफ पे जा करके वो फ्रैक्चर हो गया। यील्ड प्लेट्यू कहते हैं हम इस रीजन को, सी डैश टू डी रीजन को यील्ड प्लेट्यू कहते हैं। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यील्ड स्ट्रेस के ऊपर कितना परसेंटेज स्ट्रेन आ जाता है, तो यील्ड स्ट्रेस पर 0.125%, यहां पर अगर स्ट्रेन पूछे तो 0. यील्ड स्ट्रेस मींस यहां पे। यहां कितना स्ट्रेन आता है तो 0.125%। अगर आपसे पूछे कि डी पॉइंट तक जाते जाते कितना स्ट्रेन आ जाता है तो डी पॉइंट तक 1.5% आ जाता है। अगर आपसे पूछे कि फेलियर तक कितना आ जाता है तो लगभग 23% तक आ जाता है माइल्ड स्टील के अंदर। सो की पॉइंट्स इससे रिलेटेड क्या क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट आती है 190 से 220 न्यूटन, तो हम ये कहते हैं कि प्रोपोर्शनल लिमिट अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट ये बहुत पास पास में है, तो प्रोपोर्शनल लिमिट 190 से 220 पे आती है। यील्ड स्ट्रेंथ 230 से 250, जैसे एफ ई 250 बोलते हैं तो उसकी 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करें तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है 4, यहाँ पे अगर बात करें टॉप पे ई पॉइंट पे तो ई पॉइंट पे ये वैल्यू 410 से 530 तक जाती है, हम यूजुअली 410 420 लेते हैं। फ्रैक्चर स्ट्रेंथ की बात करें, जब वो फ्रैक्चर हुआ है तो उस वक्त वो 250 से 300 के आसपास यहाँ पर वैल्यू मिलती है आपको। देन 23 से 35% इलोंगेशन होगा फ्रैक्चर पर, और बियरिंग स्ट्रेसेस जो होते हैं सरफेस टू सरफेस कॉन्टेक्ट फोर्स जो होती है, 75% ऑफ यील्ड स्ट्रेस हम कंसीडर करते हैं, 0.75 ऑफ एफ वाई कंसीडर करते हैं हम। परमिसिबल स्ट्रेसेस से रिलेटेड सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको याद रखने हैं, कौन सा क्वेश्चन, आपने बचपन में ए बी सी डी पढ़ी है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर, ए फॉर एक्सियल, बी फॉर बेंडिंग। तो अब चाहे एक्सियल डायरेक्शन में कंप्रेशन हो रहा हो, एक्सियल डायरेक्शन में कंप्रेशन का मतलब चाहे आप ऐसे प्रेस कर रहे हो चाहे आप इसे ऐसे खींच रहे हो लेंथ की डायरेक्शन में, तो एक्सियल डायरेक्शन में चाहे कंप्रेशन हो चाहे टेंशन हो, बेंडिंग में चाहे कंप्रेशन हो या टेंशन हो, बेंडिंग में कंप्रेशन टेंशन का मतलब अगर आपने मेंबर को ऐसे बेंड कर दिया तो ऊपर वाले फाइबर्स पर कंप्रेशन आएगा नीचे वाले पर टेंशन आएगा, तो बेंडिंग के कारण इसमें कंप्रेशन या टेंशन आया। तो इस केस में, फर्स्ट केस में परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है, 0.60 fy होता है। सेकंड केस में परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है, 0.66 fy होता है। अगर एवरेज शीयर स्ट्रेस की बात करें तो एवरेज शीयर स्ट्रेस की मैक्सिमम से मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू कितनी है, एवरेज शीयर स्ट्रेस की वैल्यू है 0.40 fy। अगर मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस की मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू पूछी जाए आपसे तो वो कितनी है, 0.45 fy है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, पीडीएफ सबके दिए जा चुके हैं मित्र, टेलीग्राम पे जाके देख लीजिएगा या फिर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप में जाएंगे, ई बुक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बताएं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेशो ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ एवरेज शीयर स्ट्रेस एंड एक्सियल शीयर स्ट्रेस।
स्टील का पीडीएफ मिल जाएगा दोस्त, थोड़ा सा इंतजार कर लें। नेट का इशू कल से कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ वेबसाइट्स तो बहुत तेज़ चल रही हैं, कुछ चीज़ों में अगर हम कुछ टूल्स का यूज़ कर रहे हैं काम करने के लिए, बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं, तो कुछ जगह तो बहुत सही चल रहा है, कुछ सर्विसेज बिल्कुल ही डाउन चल रही हैं, तो ये इशू चल रहा है कहाँ पर। तो अगर आपको हाँ जी छोटी से छोटी अपलोडिंग करनी हो अगर कुछ KB की, तो वो भी बहुत बहुत टाइम लगा रही है, 10-10 मिनट लगा रही है, और कहीं पे कुछ भी नहीं लग रहा टाइम। चलें देखें रेशो की बात कर रहे हैं, तो रेशो एवरेज शीयर स्ट्रेस की कितनी, 0.40 FY। मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस की बात करें, एक्सियल स्ट्रेस की बात करें, तो एक्सियल स्ट्रेस कितना है, 0.60 FY। दोनों का प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा, दोनों का प्रोपोर्शन 2/3 आ जाएगा, या 0.67 आ जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं दोस्तों बेसिक से बातों के ऊपर। वर्किंग स्ट्रेस मेथड वो मेथड होता है जिसके अंदर हम मटेरियल की स्ट्रेंथ जितनी होती है उससे बहुत कम मान लेते हैं, जिसके कारण हमारा डिज़ाइन बहुत हैवी हो जाता है, बहुत ज़्यादा मटेरियल हम यूज़ कर लेते हैं। इसके मेरिट्स की अगर हम बात करें तो मेंबर्स जो हैं वो उनकी लाइफ लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हमने बहुत कम स्ट्रेंथ उनकी कंसीडर की है। डिज़ाइन जो है वो बहुत ही सिंपल होता है। डीमेरिट्स के अंदर ये है कि अनइकोनॉमिकल हो जाता है, बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। लिमिट स्टेट मेथड के अंदर हम कहते हैं कि मटेरियल की आप स्ट्रेंथ यूज़ करें, जितनी स्ट्रेंथ है उससे थोड़ी कम मान लें, जितना लोड आने वाला है उससे थोड़ा ज़्यादा मान लें, मतलब आप मटेरियल के ऊपर भी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दें, आप लोड के ऊपर भी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दें, जिससे लोड जितना आएगा ज़्यादा एज्यूम किया और मटेरियल जितना लोड ले सकता है या उसकी जो क्षमता है उससे आप कम मान लें, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर देना। तो प्लास्टिक स्टेट या लिमिट स्टेट मेथड के अंदर तो हम जो भी वो स्ट्रेस ले सकता था जो हमने टेस्ट करके बताया, जैसे स्टील है तो FY वो यील्ड स्ट्रेस है उसका, FY अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ कर लेंगे। अगर हम बात करें वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, तो उस केस में जो यील्ड स्ट्रेस अपॉन कंप्लीट जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग यूज़ कर लेते हैं हम। देन ये जो अभी हमने डिस्कस किया एक्सियल के केस में, बेंडिंग के केस में, एवरेज शीयर स्ट्रेस के केस में, मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस के केस में, ये सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। बियरिंग स्ट्रेसेस की अगर हम बात करें तो परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस अगर आपको कैलकुलेट करने होंगे, द मैक्सिमम परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेसेस को आप बताते हैं 0.75 FY से, बियरिंग स्ट्रेस को 0.75 FY से आप बताएंगे। चलें आगे बढ़ते हैं, देन अगर आप विंड या अर्थक्वेक लोड्स को कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में आप उन स्ट्रेसेस की वैल्यू को 33% जो परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं, परमिसिबल स्ट्रेसेस को 33% से एक्सीड कर सकते हैं। अगर विंड और अर्थक्वेक लोड को कंसीडर कर रहे हैं तो कनेक्शंस के अंदर, रिवेट्स या वेल्ड्स के अंदर आप 25% उनकी वैल्यूज़ को इंक्रीज करके मान सकते हैं। अब ये जो वैल्यूज़ आपने बताई इनके अकॉर्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें, एक्सियल स्ट्रेस के अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.67 का आता है, बेंडिंग स्ट्रेस में अगर हम बात करें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 का आता है, शीयर स्ट्रेस में अगर हम देखें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 का आ जाता है। अगर स्टील स्ट्रक्चर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात करें तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन स्पान बाय 325 आ जाएगा। तो ये डिफ्लेक्शन के क्राइटेरियाज किसके अकॉर्डिंग है, ये स्टील डिजाइन के अकॉर्डिंग है, स्टील के स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर एलिमेंट्स में क्रैकिंग ससेप्टेबल नहीं है, क्रैकिंग नहीं आने के चांस हैं, तो उस केस में स्पान बाय 300, अगर क्रैकिंग आने के चांसेस हैं
तो स्पान बाय 360, इससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन उसमें नहीं आना चाहिए एज इट इज़ ऑब्जेक्टिव में। ये आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एक आपके पास क्वेश्चन ऐसा आएगा लिमिट स्टेट मेथड से, इफ़ द मेंबर्स आर ससेप्टेबल टू क्रैकिंग एंड अ मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन ऑफ 10 mm इज अलाउड देन फाइंड आउट द मैक्सिमम स्पान ऑफ द बीम। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, अगर आपको ये दिया हुआ है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ सकता है 10 mm का एंड मेंबर्स आर ससेप्टेबल टू क्रैकिंग, मेंबर्स आर ससेप्टेबल टू क्रैकिंग, उस केस में मैक्सिमम स्पान कितना होगा बताएं, उस केस में मैक्सिमम स्पान कितना होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पान कितना हो सकता है। आपको सिंपली ये देखना है कि मेंबर्स आर ससेप्टेबल टू क्रैकिंग, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू आपको दे दी यहां पर 10 mm, सो 10 mm इंटू 360 कर दीजिए, 10 mm इंटू 360 3600 mm, 3.6 मीटर आंसर आ जाएगा। लेकिन वहां पे हिट करना जरूरी है, क्वेश्चन तो सिंपल सा ऐसे ही दिखेगा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इतना, लेकिन याद नहीं आएगा कि कहाँ से करना था, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। तो इस तरीके के क्राइटेरिया भी आपसे न्यूमेरिक फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। फिर आते हैं गेंट्री गर्डर के ऊपर, गेंट्री गर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, पूछे गए हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो ऑब्वियस सी बात है एसएससी में कभी ना कभी या किसी न किसी सेट में तो पूछ ही लेगा। गेंट्री गर्डर की अगर हम बात करें तो गेंट्री गर्डर में स्पान बाय 500, अगर मैनुअली ऑपरेटेड क्रेन है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन स्पान बाय 500, अगर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन है और 50 टन तक की कैपेसिटी है या 500 किलो न्यूटन, 50 टन या फिर 500 किलो न्यूटन तक की कैपेसिटी है, उस केस में स्पान बाय 350, अगर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन है तो उस केस में स्पान बाय 1000, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन विद लोडिंग कैपेसिटी ग्रेटर देन 50 टन तो हम ज़्यादा डिफ्लेक्शन अलाउड नहीं करेंगे, फिर हम स्पान बाय 1000 ही अलाउ करेंगे। डिनोमिनेटर बढ़ा तो ओवरऑल क्वांटिटी रिड्यूस हुई, ये डिफ्लेक्शन सबसे बड़ा है मैनुअली ऑपरेटेड में, फिर उससे कम, फिर उसके बाद उससे कम, ठीक है। एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड, फॉर अ लोड ऑफ 40 टन, If the allowable deflection is 15 mm, then maximum span of gantry girder then maximum span of gantry girder is, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पीडीएफ भी अपलोड करवा देंगे। देखिए अगर अप टू 50 टन है या 500 किलो न्यूटन है, अप टू 50 टन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन, फॉर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन और लोड
अप टू 50 टन अगर है तो उस केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है स्पान बाय 750 तक का यूज हो सकता है. सो स्पान की वैल्यू आ जाएगी 750 इंटू 15 1125 mm या फिर 1.125 meters 11.25 meters इतना मैक्सिमम स्पान हो सकता है. इस तरह से क्वेश्चन आएगा. ठीक है, आगे बढ़े. क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा आपसे. पिच से रिलेटेड, एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, गेज डिस्टेंस से रिलेटेड, एज डिस्टेंस से रिलेटेड मैच द फॉलोइंग मिल सकता है. कि जैसे देखिए ना, ट्रेंड की बात करें तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इस साल आने के चांस हैं. एक चीज़ आप देखिएगा, जब जब पैटर्न चेंज होता है, इस बार नेगेटिव मार्किंग 1/3 कर दी. जब जब पैटर्न चेंज होता है, कुछ नया आता है, तो पेपर ईजी आने के चांस होते हैं. अब तक तो इतिहास में ये देखा गया है, इस साल कुछ अलग कर दे तो बात अलग है, लेकिन अब तक ये देखा गया है कि जब पैटर्न चेंज होता है तो पेपर थोड़ा रिलेटिवली ईजी देखने को मिलता है रीसेंट ईयर्स के. लेकिन ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड में ये चल ही रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं. 3 स्टेटमेंट आ जाएंगे, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट सी. इनमें से कौन से करेक्ट है, ओनली 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 3, 1 एंड 2, 1, 2, 3, इस तरह के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे. मैच द फॉलोइंग देखने को मिल सकते हैं. तो उसमें बस ऐसे आ जाएगा, एक तरफ पिच, एंड डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस ये दिया हुआ होगा, दूसरी तरफ इनकी डेफिनेशन दी हुई होगी. तो आपको वो चूज़ करना है. पिच डिस्टेंस दो रिवेट के बीच में, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ लोड, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लोड, गेज डिस्टेंस सबसे लास्ट वाली रिवेट लोड की डायरेक्शन में किनारे से कितनी दूर रखी हुई है, वो एंड डिस्टेंस हो जाता है. और लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो रखी हुई है वो एज डिस्टेंस हो जाता है. बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करें तो बेंडिंग स्ट्रेसेस बियरिंग स्ट्रेसेस वो स्ट्रेसेस होते हैं जिसके अंदर सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट फोर्स लगती है. बियरिंग स्ट्रेसेस बहुत प्रकार के हो सकते हैं. जैसे आपने अपने दोस्त के हाथ के बीच में ऐसे पेन पकड़ा और ऐसे इसे दबा दिया, यहाँ पे भी क्या लग रहा है, बियरिंग स्ट्रेस लग रहा है इन फिंगर्स के बीच में और इस पेन के बीच में या मार्कर के बीच में, सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट फोर्स हो रहा है यहाँ पे. अगर आपने किसी कॉलम को ऑब्जर्व किया है, कोई स्टील का कॉलम है, वो अगर किसी कंक्रीट के बेड के ऊपर कोई प्लेट रखी हुई है उस पे आके रेस्ट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, बियरिंग स्ट्रेस लगा रहा है, एक प्रकार का बियरिंग स्ट्रेस लगा रहा है. अगर आपने कंक्रीट के बेड और इस स्टील के कॉलम, इन दोनों के बीच में एक प्लेट नहीं लगाई या कॉलम बेस नहीं लगाया, तो वो स्टील का कॉलम क्या कर जाएगा, पंच कर देगा उस कंक्रीट के अंदर. पंच कर देगा मतलब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड है. जैसे कि कुछ दिन पहले क्या हुआ, ये मैं आपको हमेशा ये वाला एग्जांपल देता हूँ, तो यही वाली चीज़ हो गई. कोई चीज़ थी जिसे मैं स्क्रू ड्राइवर से टाइटन कर रहा था और वो स्लिप कर गया, स्ट्रेस ज़्यादा था, एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर लोकेटेड था, तो वो पेनिट्रेट कर गया अंदर. रीज़न बीइंग, स्ट्रेस जो लगा वो आपका, क्योंकि एक कंसंट्रेटेड लोकेशन के ऊपर या फोर्स उतना ही था लेकिन एरिया बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से स्ट्रेस ज़्यादा हो गया. सिमिलरली स्टील के कॉलम्स के केस में अगर हम देखें तो लोड ज़्यादा होता है उनके ऊपर, और एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिस पे जाके लोड वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो बियरिंग स्ट्रेस, वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ज़्यादा हो जाता है. तो उस स्ट्रेस को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन प्लेट के ऊपर या कॉलम बेसिस का यूज़ करते हैं, ताकि वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाए लार्ज एरिया के ऊपर और फिर नीचे का मटेरियल उसे रेजिस्ट कर ले. तो बियरिंग स्ट्रेस के अलग अलग मतलब हैं. मतलब है तो वही कि सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट फोर्स है, यूज़ अलग अलग जगह हमें देखने को मिलते हैं. जैसे कि रिवेट्स के केस में बियरिंग स्ट्रेस का मतलब ये हो जाएगा. अगर कॉलम बेस की बात करेंगे तो बियरिंग स्ट्रेसेस का मतलब हो जाएगा एंड टू एंड जो कॉन्टैक्ट फोर्स बन रही है, वो दो कॉलम को अगर आप जोड़ रहे हैं, एक कॉलम को दूसरे कॉलम के ऊपर रखा आपने, तो यहाँ पे भी बियरिंग के थ्रू लोड ट्रांसफ़र होगा,
एंड टू एंड लोड ट्रांसफर होगा, सरफेस कॉन्टैक्ट के थ्रू लोड ट्रांसफर होता है, तो ये आपको देखने को मिलते हैं। शेयरिंग स्ट्रेसेस का मतलब जब कट ही गया मेंबर, कट रहा है तो। अब आगे देखें, लैप जॉइंट एक दूसरे के ऊपर रिवेट को रखा, लैप जॉइंट बन गया आपके पास, और रिवेट को नहीं प्लेट्स को रखा, फिर रिवेट से जॉइंट कर दिया, लैप जॉइंट है। एंड टू एंड आपने रखा तो बट जॉइंट कहलाता है, ऊपर नीचे कवर प्लेट यूज़ की तो कवर प्लेट कहलाएगा, बट जॉइंट विद कवर प्लेट्स हो जाएगा। तो डबल कवर लगाई है तो डबल कवर बट जॉइंट, सिंगल कवर लगाया तो सिंगल कवर बट जॉइंट। लैप जॉइंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि मिनिमम लैप लेंथ जो है वो कम से कम 4 times द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर जॉइंट या 40 mm होनी चाहिए, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर दो प्लेट्स को आपने ज्वाइन करवाया, एक प्लेट थी 8 mm की, एक प्लेट थी 12 mm की, तो बताएं व्हाट शुड बी द लीस्ट या फिर व्हाट शुड बी द एट लीस्ट द ओवरलैप लेंथ, कम से कम कितना होना चाहिए बताएं। द मिनिमम लैप शुड नॉट बी लेस देन 4 times, जो मिनिमम लैप है शुड नॉट बी लेस देन 4 times थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट, 4 times थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट, या फिर शुड नॉट बी लेस देन 40 mm, ये नहीं होना चाहिए। सो शुड नॉट बी लेस देन 4 times थिकनेस ऑफ थिनर या 40 mm, तो ये कितना आया, ये तो आया 32 mm, सो इट शुड नॉट बी लेस देन 40 mm। इन दोनों में से ग्रेटर वन लेंगे ना, या हम ये कह रहे हैं कि इट शुड नॉट बी लेस देन, 32 से भी कम ना हो, 40 से भी कम ना हो, इसका मतलब 40 से कम ना हो। 40 mm आंसर आ गया हमारा, डन। सिंपल क्वेश्चन पूछना होगा तो ऐसा पूछेगा, एग्जामिनर परेशान हो करके आया है, घर में युद्ध करके आया है, तो वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ भाई अब न्यूमेरिक वैल्यू पुट करो और उसके अकॉर्डिंग आंसर बताओ मुझे। नेक्स्ट, बट जॉइंट एंड टू एंड रखा है और फिर उसके बाद आपने कवर प्लेट लगा दी, यहाँ से ध्यान रखने वाली बात क्या है, बट जॉइंट के अंदर कवर प्लेट फेल नहीं होनी चाहिए, कवर प्लेट की थिकनेस हमेशा मेन प्लेट की थिकनेस से ज़्यादा हो। दो मेन प्लेट अगर आपने यूज़ किया तो सम ऑफ कवर प्लेट्स जो हैं, दो कवर प्लेट्स अगर यूज़ किया तो सम ऑफ कवर प्लेट शुड बी ग्रेटर देन इंडिविजुअल जो मेन प्लेट है उससे। नेक्स्ट, कनेक्शंस पे आ जाते हैं, कनेक्शंस रिवेटेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन होते हैं, अलग अलग टाइप की स्ट्रेंथ देखनी है हमें, जैसे कि प्लेट की टीयरिंग स्ट्रेंथ है, प्लेट की बियरिंग स्ट्रेंथ, प्लेट की शियरिंग स्ट्रेंथ, प्लेट की स्प्लिटिंग के अंदर जो स्ट्रेंथ है या उसका फेलियर आता है, रिवेट की बियरिंग स्ट्रेंथ, रिवेट की शियरिंग स्ट्रेंथ, तो ये सारे फैक्टर्स हमें देखने हैं। रिवेट या तो शियर हो जाएगी तो शियरिंग फेलियर होगा, रिवेट बियरिंग के अंदर फेल हो सकती है, जिस लोड पे वो पहले फेल हो गई, अगर लेट से 50 kg का लोड लगने पर वो शियर में फेल हो रही थी, 70 kg का लोड लेने पर वो बियरिंग में फेल हो रही थी, तो हम क्या कहेंगे, रिवेट की स्ट्रेंथ कितनी है, 50 kg है, वो 50 kg तक का लोड बियर कर सकती है। प्लेट्स कैसे कैसे फेल होगी, लोड की डायरेक्शन में फेलियर आया अगर सबसे लास्ट वाले रिवेट का, तो वो शियर फेलियर कहलाएगा, लोड की डायरेक्शन में ही कट लग रहा है इस पर। प्लेट अगर स्प्लिट हो जाती है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, जैसे आप पेपर में क्या करते हैं, पेपर में इस तरीके से पेन डाल के आप ऐसे खींच देते हैं, तो वो क्या कर जाता है, ऐसे स्प्लिट कर जाता है यहाँ से, तो स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट अगर आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट के अंदर आपने क्या किया, जैसे पेपर में पेन डाल के आप इस तरीके से पुश करेंगे अगर, तो ये प्लेट का मटेरियल फॉरवर्ड पुश हो जाएगा आगे, तो ये बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट है। टीयरिंग या टेंशन फेलियर, जैसे स्पाइरल नोटबुक होती है उसमें आप पेज बाहर निकालते हैं एरोप्लेन बनाने के लिए, तो क्या करते हैं आप, जिस डायरेक्शन में वो होल्स होते हैं उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं आप, तो होल्स के अलोंग टीयरिंग हो जाती है। तो इस चार प्रकार के फेलियर के अंदर, प्लेट्स के ये चार प्रकार के जो फेलियर हैं उनके अंदर हम डिज़ाइन किसके लिए करते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं टेंशन या टीयरिंग फेलियर के लिए। बाकी 3 प्रकार के फेलियर अवॉइड किए जा सकते हैं अगर आप इसे किनारे से अच्छी खासी दूरी पर रख दें, अगर आप किनारे से इस रिवेट को थोड़ा दूर रख दें, सफिशिएंट एंड डिस्टेंस अगर आप प्रोवाइड कर दें, तो ये फेलियर अवॉइड किए जा सकते हैं। सिंपल सा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा सकता है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन, इनमें से ऑड कौन सा है, अलग कौन सा है,
तो अलग आप क्या बताएंगे, इनमें से अलग है टीयरिंग या टेंशन फेलियर, क्योंकि बाकी तीन को हम सफिशिएंट एंड डिस्टेंस प्रोवाइड करके अवॉइड कर सकते हैं, इसके लिए तो हमें डिज़ाइन करना ही पड़ेगा। तो टीयरिंग फेलियर या टेंशन फेलियर इनमें से अलग है। बफरिंग हो रही है क्या? सफिशियंट स्पेस नहीं दे रहे, सफिशियंट दोस्त ऐसे कह रहे हैं किनारे से दूर रख रहे हैं, एंड से दूर रख रहे हैं। नहीं हो रही बफरिंग, आगे बढ़े चलें। तो डिज़ाइन किसके लिए करते हैं? रिवेट को करते हैं बियरिंग और शीयरिंग के लिए, प्लेट को करते हैं सिर्फ टीयरिंग के लिए। तो इन तीन बातों के लिए हमें डिज़ाइन करना है। रिवेट्स की बात करें तो रिवेट के टॉप मोस्ट पोर्शन को हेड बोलते हैं, इसे शैंक बोलते हैं। फिर रिवेट को आप जब यूज़ करते हैं तो पहले वहाँ पे होल करेंगे, होल करने के बाद उसके अंदर रिवेट इंसर्ट की जाएगी। होल करने के तरीके क्या हो सकते हैं? आप पहला तरीका हो सकता है कि आप उसको पंच कर दें। पंच करने का मतलब जैसे पेपर को आप फाइल में लगाते हैं तो पंच करते हैं ना, सिमिलर वे में उसे पंच कर सकते हैं आप। पंच करने से जो पंच वाला एरिया होता है, जहाँ पर पंच होगा, उस एरिया के आसपास का मटेरियल वीक हो जाएगा, वहाँ से वो स्ट्रेंथ लूज़ कर जाता है, जो अल्टीमेटली जिसके ऊपर जा कर के बाद में फास्टनर भी टिकेगा या फिर वहाँ पर जो स्ट्रेसेस आएंगे उस केस में फर्दर और वो वीक हो जाएगा। तो पंचिंग इतनी ज़्यादा प्रेफर नहीं की जाती है, आप ड्रिल करना ज़्यादा प्रेफर रहता है। तो पंचिंग से बेटर ड्रिलिंग होती है। वो होल करते हैं, होल के अंदर रिवेट जो है हॉट रिवेट को उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है, और फिर दूसरा फेज जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक हॉट रिवेट रखी, फिर दो प्लेट्स जिनको ज्वाइन कराना है उनको इसके बीच में रखा होल्स के थ्रू, फिर ऊपर से हैमरिंग कर दी, हैमरिंग करके ये दूसरी साइड भी हेड फॉर्म कर दिया। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछे कि शॉप रिवेट के लिए और फील्ड रिवेट के लिए हम किस सिंबल से शो करते हैं, तो आपको बीच में ब्लैंक स्पेस दिखे या वाइट स्पेस दिखे तो ये शॉप रिवेट है, फील्ड रिवेट के लिए आपको ब्लैक स्पॉट देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इनसे रिलेटेड क्या क्या पूछते हैं, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट की एक्सियल टेंशन के अंदर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट की बियरिंग के अंदर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट से फील्ड रिवेट में कितने परसेंटेज का रिडक्शन आपको देखने को मिलता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? 10% का रिडक्शन कर देते हैं हम पावर ड्रिवन शॉप रिवेट से, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट में 10% तक का रिडक्शन हम करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेता है और जो आपको इस टेबल में भी देखने को मिल रहा है, शॉप की जो रिवेट्स होंगी उनकी स्ट्रेंथ रिलेटिवली बेटर होंगी जो फील्ड पे आप रिवेट अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो। अब रिवेट जो लगाएंगे वो स्किल्ड पर्सन होंगे, स्किल चाहिए रिवेट लगाने के लिए, अनलाइक बोल्ट्स के केस में, बोल्ट में कोई स्किल नहीं चाहिए, हम खुद घर पे कोई छोटे मोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें बोल्ट अगर इंक्लूडेड है जिन मशीन्स में, तो हम बोल्ट को टाइट करना, ओपन करना, ये सब तो हम कर ही लेते हैं। सो वो रिवेट को लेकिन हम नहीं इंसर्ट कर सकते हैं। रिवेट्स आपको और कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, आपके व्हीकल्स में भी देखने को मिलती है इस तरीके से कुछ, जो HSRP या हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स होती हैं उनको भी रिवेट से ही ज्वाइन करते हैं। अगर आपने बोल्ट से अपने व्हीकल की नंबर प्लेट को बोल्ट से ज्वाइन कर रखा है अगर आपने, यानी कि जिसको खोला जा सकता है, जब चाहे लगाया जा सकता है, तो उसका भी चलान होता है, तो रिवेट ही कंपल्सरी होता है। जब मैकेनिक के पास लगवाने जाते हैं तो वो रिवेट नहीं बोल रहा होता, वो रिपट रिपट या रिपेट कुछ और ही बोल रहा होता है, वो अपनी भाषा में जो बेचारे को उसको समझ में आता है, लेकिन एक्चुअल टर्म इज रिवेट जो हम पढ़ रहे हैं, तो रिवेट से कनेक्टेड होना चाहिए। आगे बढ़े अगर हम रिवेटेड कनेक्शन में, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रिवेट का ये टॉप मोस्ट पोर्शन हेड है, नीचे वाला पोर्शन शैंक है, रिवेट को किससे डेजिग्नेट करते हैं, रिवेट को किससे पहचानेंगे, मार्केट में रिवेट खरीदने जाएंगे तो क्या बोलेंगे, कौन सी रिवेट दे दो, मार्केट में रिवेट खरीदने जाएंगे तो कौन सी रिवेट दे दो। आप रिवेट के नॉमिनल डाया के अकॉर्डिंग बताते हैं, आप रिवेट के नॉमिनल डाया के करस्पॉन्डिंग बताते हैं,
नॉमिनल डाया के अकॉर्डिंग. फिर फॉर द ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, इसे फिट करने की आसानी प्रदान हो हमें, उसके लिए इस होल का डायामीटर थोड़ा बड़ा रखते हैं हम जितना रिवेट का नॉमिनल डाया होता है. अगर रिवेट का नॉमिनल डाया 25 mm तक है इंक्लूडिंग 25 mm, तो उस केस में तो आप 1.5 mm बड़ा होल रखेंगे. अगर रिवेट का डायामीटर 25 mm को एक्सीड करता है, उस केस में डाया ऑफ होल विल बी ग्रेटर देन नॉमिनल डाया से प्लस 2 mm बड़ा होगा. नॉमिनल डाया से प्लस 2 mm बड़ा होगा, यह आपको याद रखना है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा आएगा, इफ नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट इज 24 mm, देन द डायामीटर ऑफ होल विल बी, तो 24 प्लस 1.5 25.5 हो जाएगा. आपसे ये पूछ सकता है द एरिया ऑफ द होल विल बी, तो एरिया कैलकुलेट कर लेंगे. सो ग्रॉस डाया या आपको डायामीटर ऑफ होल कैलकुलेट करना आना चाहिए, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. देन कम्स स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट. इन शॉर्ट ऐसे समझ लीजिए, आपने अगर किसी रिवेट की शियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है कि वो रिवेट शियर में कितनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकती है, तो शियर ऑफ होने का मतलब वो कट जाएगी. जब कट जाएगी तो इसके क्रॉस सेक्शन ही से बचाने की कोशिश करेगा कि ये रिवेट कटे ना, तो उसे बचाने की कोशिश कौन करेगा. रिवेट ऐसे कटेगी तो क्रॉस सेक्शन कोशिश करेगा. क्रॉस सेक्शन, जब रिवेट के डिज़ाइन की बात आती है तो रिवेट के अंदर जो क्रॉस सेक्शन हम लेते हैं एरिया, वो डायामीटर ऑफ होल के करस्पॉन्डिंग लेते हैं, ग्रॉस डाया के करस्पॉन्डिंग, एरिया ऑफ होल के करस्पॉन्डिंग. इतना एरिया इसे बचाने आएगा कि नहीं नहीं कटना नहीं है यहाँ से. अगर इस मटेरियल की मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ स्ट्रेस है सिग्मा एस, कि ये मटेरियल जिससे ये रिवेट बनी हुई है ये सिग्मा एस स्ट्रेस ले सकता है, इतना एरिया अवेलेबल है, तो इतना फोर्स ही रेजिस्ट कर सकता है. तो ये तो लैप जॉइंट के केस में हो जाएगा, जब ये आपके पास लैप जॉइंट है और इस लैप जॉइंट के अंदर यहाँ पर अगर रिवेट इंसर्टेड थी तो इस रिवेट में एक शियरिंग प्लेन बनेगा. इस रिवेट के अंदर यहाँ से एक शियरिंग प्लेन बनेगा, इस प्लेन के अबाउट ये फेल हो सकता है. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट एक मेन प्लेट, ये दूसरी मेन प्लेट, एक कवर प्लेट, दूसरी कवर प्लेट. अब इस केस में अगर आपने रिवेट यहाँ पे यूज़ कर रखी है, तो अब कौन कौन से एरिया पार्टिसिपेट करेंगे उस शियरिंग को बचाने में, तो ये दो शियरिंग प्लेन आ जाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम, तो 2 शियरिंग प्लेन है, 2 से कर देंगे. ये तो कहानी हो गई एक रिवेट की. अब जितने नंबर ऑफ रिवेट लगे हुए हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उतना फोर्स वो शियरिंग के अंदर, उतना फोर्स वो बियरिंग के अंदर रेजिस्ट कर सकते हैं. बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट की बात करें, तो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट के अंदर आप ये देखेंगे कि उसकी बियरिंग हो कहाँ रही है. बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट के अंदर आप ये देखेंगे कि उसकी बियरिंग कहाँ हो रही है. यहाँ पर प्लेट मौजूद है एक, और यहाँ दूसरी प्लेट है, ऐसे कुछ. अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये बियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमने अगर पेन को फिंगर्स के बीच में पकड़ लिया और ऐसे प्रेस कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हम, इस रिवेट के ऊपर सरफेस कांटेक्ट फोर्स लगा रहे हैं. और वो जो फोर्स इस पर लग रही है वो कैसे लग रही है, इसके प्रोजेक्टेड एरिया पर. इसमें हमें कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कौन सा प्रोजेक्टेड एरिया दिखाई दे रहा है, तो इसका जब प्रोजेक्टेड एरिया अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से सिलेंड्रिकल सेक्शन दिखेगा. इसमें आपको प्रोजेक्टेड एरिया ये वाला दिखेगा, ये डायामीटर डी होगा, ये थिकनेस टी होगा, ये डायामीटर टी, ये यहाँ पे थिकनेस टी होगा. तो इससे हम उसकी बियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करके बताएंगे. बियरिंग स्ट्रेंथ के अंदर जो थिकनेस कंसीडर की जाएगी, बियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए ये जो थिकनेस कंसीडर की जाएगी, ये थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट होगी. किसकी होगी, थिकनेस ऑफ थिनर होगी, या यूँ कहें थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, या फिर जो कवर प्लेट्स का सम है उनमें से जो मिनिमम है वो हम अडॉप्ट करेंगे, इनमें से वो हम अडॉप्ट करेंगे. ये हो गई शियरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ रिवेट की. इन दोनों में से जो मिनिमम होगा तो रिवेट वैल्यू क्या कहलाएगा, रिवेट वैल्यू विल बी मिनिमम ऑफ शियर स्ट्रेंथ, रिवेट वैल्यू विल बी मिनिमम ऑफ शियर एंड बियरिंग स्ट्रेंथ. टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट अगर हमें पता करनी है, तो किसी प्लेट की टीयरिंग स्ट्रेंथ पता करने के लिए आप क्या देखेंगे कि उस प्लेट के अंदर होल्स किए हुए हैं.
आपको ये जो होल्स दिखाई देंगे इसमें, अब ये होल्स ऐसे कैसे दिख रहे हैं, ये होल्स ऐसे दिख रहे हैं कि आपकी प्लेट अगर ऐसी थी, उस प्लेट में ये बहुत सारी रिवेट्स लगाई आपने, लेकिन अभी लगाई नहीं है रिवेट्स, रिवेट लगाने के लिए होल कर रहे थे बस आप सिंपली। आपने रिवेट लगाने के लिए होल किया, तो अगर इसको आप यहाँ से काट देते हैं, इसको अगर यहाँ से कट कर देंगे, इसको कट करके फिर यहाँ खड़े होके जब ऐसे देखेंगे तो क्या दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। हाँ जी, अल्ट्रा 3D डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। अब कौन सा एरिया प्लेट का ऐसा प्रेजेंट है, कौन सा एरिया प्लेट का ऐसा प्रेजेंट है जो बचाएगा कि ये प्लेट कट ना जाए, इस टीयरिंग को प्रिवेंट करने में कौन सा एरिया मदद करेगा। ये वाला एरिया आगे फर्दर ऐसे प्लेट के साथ कनेक्टेड है, आगे फर्दर पूरी प्लेट के अंदर जुड़ा हुआ है। कौन सा एरिया जुड़ा हुआ है आगे फर्दर, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये जुड़ा हुआ है। अब अगर हमारी प्लेट की विड्थ कितनी थी, बी थी, प्लेट की विड्थ कितनी थी, बी थी, इस बी विड्थ में से ये डी डिस्टेंस हटाएं, ये डी डिस्टेंस हटाएं, ये डी डिस्टेंस हटाएं, तो बी में से 3D हटाएं, किससे मल्टीप्लाई करें, थिकनेस ऑफ द प्लेट से, जिस प्लेट की भी स्ट्रेंथ आप पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक प्लेट अगर कम थिकनेस की है, एक प्लेट अगर ज़्यादा थिकनेस की है, तो फेल होने के चांस किसके होंगे, जो थिन वाली है वो। तो जब थिन वाली पहले फेल होगी तो हम पूरे जॉइंट की स्ट्रेंथ किसके करस्पॉन्डिंग बताएंगे, वीकेस्ट के अकॉर्डिंग ही बताएंगे ना, कि यार इसके कारण फेल होगा ये जॉइंट, तो इससे ज़्यादा लोड ना आए कि ये ना फेल हो जाए। वही चीज़ है, आप चार दोस्त कॉलेज के बाहर कोई शैतानी करने गए, कॉलेज में वापस पहुँचे तो आप क्या बातें करते हैं आपस में कि ए बी सी डी इन चार में से ये दोस्त नंबर जो बी है ये कुछ गड़बड़ कर सकता है, ये जल्दी जा कर के सच बोल देगा सर के सामने, इसे थोड़ा सा भी डरा दिया तो ये सब सच उगल देगा। तो सबसे जो वीकेस्ट होता है आप उसको बचाने की कोशिश करते हैं कि ये कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसका ध्यान रखना, बाकी सबका तो चल जाएगा। वैसे ही दो प्लेट, एक कम थिकनेस की एक ज़्यादा थिकनेस की, तो पहले टीयर होने के चांस किसके होंगे, कम थिकनेस वाले के होंगे, तो स्ट्रेंथ बताने के टाइम पे मिनिमम थिकनेस वाला ही यूज़ करेंगे। इतना एरिया पार्टिसिपेट करेगा, वो कोशिश करेगा कि ये टीयरिंग ना हो। अगर इसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने एक्सियल टेंशन में, ये मटेरियल कितना स्ट्रेस ले सकता है, इतना स्ट्रेस ले सकता है, कितना एरिया अवेलेबल है स्ट्रेस लेने के लिए, तो इतना फोर्स ले सकता है, तो ये प्लेट की टीयरिंग के अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, ये प्लेट की टीयरिंग स्ट्रेंथ आ जाती है। तो प्लेट की टीयरिंग स्ट्रेंथ, रिवेट की बियरिंग, रिवेट की शियरिंग स्ट्रेंथ, ये तीन क्राइटेरिया आपको देखने हैं। अब आप एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट बताएंगे, अब आप क्या बताएंगे, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट बताएंगे। किसी ने, जैसे आप किसी शॉप के ऊपर जा रहे हैं मान लीजिए, या आप अपना कोई काम करवा रहे हैं जिसमें दो स्टील के मेंबर्स को ज्वाइन करवाना है आपने, अब जो दो स्टील के मेंबर को आप ज्वाइन करवा रहे हैं, रिवेट से आप ज्वाइन करवा रहे हैं, तो जो पर्सन आपका ये काम करके दे रहा है, वो जॉइंट बना के दे रहा है, आप उसे कहेंगे कि भैया ये जॉइंट सही तो बनाया है ना, ठीक है, ये फेल तो नहीं हो जाएगा, टूट तो नहीं जाएगा जहाँ से आप इसे जोड़ रहे हैं, तो वो क्या कहेगा आपको कि जी 80% एफिशिएंसी है इसकी। वो क्या बता रहा है आपको, 80% एफिशिएंसी है। 80% एफिशिएंसी का मतलब, वो एफिशिएंसी से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हम कि जहाँ पर कोई जॉइंट नहीं बना हुआ था, ये प्लेट आगे एक्सटेंडेड थी, ठीक है, आगे चलती चली जा रही थी, तो जहाँ पे वो प्लेट सॉलिड थी एकदम, जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो प्लेट एकदम सॉलिड थी, उस जगह के कंपैरिजन में अब जो जॉइंट बना रहे हैं हम जिस लोकेशन पे, वो जॉइंट 80% स्ट्रेंथ दे देगा आपको। तो इसीलिए एफिशिएंसी बताते वक्त हम क्या बताते हैं, एफिशिएंसी बताते वक्त हम कहते हैं कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू
मिनिमम स्ट्रेंथ। जॉइंट कब फेल होगा? जॉइंट तब फेल होगा जब रिवेट शियर में फेल हो जाए, या फिर रिवेट अगर बियरिंग में फेल हो गई तो भी पूरा जॉइंट फेल हो जाएगा, प्लेट अगर टीयरिंग में फेल हो गई तो भी पूरा जॉइंट फेल हो जाएगा। तो इन तीनों में से जो लीस्ट स्ट्रेंथ होगी, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि जब हमारी प्लेट एक सॉलिड प्लेट है, आपने एक बहुत लंबी प्लेट ऐसे लेते चले गए, जितनी सबसे बड़ी प्लेट थी मार्केट में खरीद लिया आपने, लेंथ खत्म हो गई उसकी, अब दूसरी प्लेट ज्वाइन करने पड़ रही है, तो उस जॉइंट की एफिशिएंसी पता कर रहे हैं। अब वो जो हमारी पूरी सॉलिड प्लेट थी जिसमें कोई होल नहीं प्रेजेंट है, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन के ऊपर, ग्रॉस सेक्शन पर, टोटल सेक्शन के ऊपर अगर हम देखें तो आपको एरिया कितना देखने को मिलेगा, सॉलिड एरिया जो देखने को मिलेगा, वो सॉलिड एरिया इतना देखने को मिलेगा पूरा का पूरा बी इंटू थिकनेस टी। तो इस जगह पर हम एफिशिएंसी को कंपेयर किससे कर रहे हैं कि अगर इस जगह के ऊपर लेट से ये तब फेल होगा जब 100 यूनिट्स यहाँ पे लोड लग जाएगा, ये तब फेल होगा जब 100 यूनिट्स यहाँ लोड लग जाएगा। रिवेट कब फेल हो जाएगी? लेट से रिवेट तब फेल हो जाएगी जब उसमें 60 यूनिट्स लोड लग जाएगा, शियरिंग में तब फेल हो जाएगी। बियरिंग में कब फेल हो जाएगी? बियरिंग में जब उस पर 75 यूनिट्स लोड लग जाएगा तब फेल हो जाएगी वो। टीयरिंग में प्लेट कब फेल हो जाएगी? जब उस पर 50 यूनिट्स लोड लग जाएगा तो वो टीयर हो जाएगी। सो मिनिमम ऑफ दीज थ्री विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड मेन प्लेट, विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड मेन प्लेट। अब सॉलिड मेन प्लेट कितनी यूनिट पे फेल हो रही है? 100 यूनिट लोड लगने पर फेल हो रही है। आपने जॉइंट को देखा, जॉइंट में लगी है रिवेट, रिवेट बियरिंग में फेल होगी 75 यूनिट लोड पर, शियरिंग में फेल होगी 60 यूनिट पर, लेकिन प्लेट ही फेल हो जाएगी। प्लेट कहाँ से फेल हो जाएगी? जहाँ पे आपने होल किए थे वो रिवेट लगाने के लिए, क्योंकि एरिया कम हो गया ना होल करने के कारण, जो एरिया पार्टिसिपेट कर रहा था, प्लेट का जो जुड़ा हुआ एरिया था वो कम हो गया, तो जहाँ पर होल्स थे वहाँ से वो फेल होगा, जिसे हम नेट एरिया के नाम से जानते हैं। तो 50/100 यानी कि 50% एफिशिएंसी है इस जॉइंट की। एफिशिएंसी क्या है? 50% है। तो एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट हमारे पास कितना आ गया? 50% आ गया, 0.5 आ गया। समझ पा रहे हैं? डन। तो ये तो बात आ जाती है एफिशिएंसी कैलकुलेट करने की, एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करनी है। ये एफिशिएंसी हम एंटायर जॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि पूरी विड्थ ऑफ द प्लेट के लिए। अगर आपसे पूछा जाता कि एफिशिएंसी हमें तो आप बता दीजिए कितने के लिए, गेज लेंथ के लिए बता दीजिए, कितने लेंथ के लिए, कि जितनी दूरी में इफेक्टिवली एक रिवेट आती है उतने से डिस्टेंस के लिए हमें बता दीजिए। तो उतने से डिस्टेंस के लिए अगर पता करेंगे, गेज लेंथ के लिए अगर आप चाहते हैं सिर्फ गेज लेंथ के लिए पता करना, तो ये गेज लेंथ आ जाएगी आपकी। अब इस गेज लेंथ के लिए टीयरिंग स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी? इस गेज लेंथ के लिए टीयरिंग स्ट्रेंथ क्या होगी? इस गेज लेंथ के लिए टीयरिंग स्ट्रेंथ होगी G-D इंटू टी इंटू सिग्मा एटी। इतनी होगी। हम ये मानते हैं कि इन तीनों में से हमेशा लीस्ट एफिशिएंसी किसकी होगी? टीयरिंग स्ट्रेंथ की सबसे लीस्ट एफिशिएंसी होगी। तो अगर टीयरिंग स्ट्रेंथ को सबसे कम कंसीडर करें तो एफिशिएंसी गेज लेंथ के केस में क्या होगी? G-D इंटू टी इंटू सिग्मा एटी विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ कितने डिस्टेंस के लिए? गेज लेंथ के लिए। यहाँ भी क्या करेंगे? गेज लेंथ के लिए इसकी वैल्यू बता देंगे हम। तो गेज लेंथ के लिए क्या हो जाएगी? जी इंटू टी इंटू सिग्मा एटी। ठीक है, वैल्यू क्या आ गई? G-D बाई जी इंटू 100। एफिशिएंसी आ गई पर पिच लेंथ, पर गेज लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, नंबर ऑफ रिवेट्स की जरूरत कितनी पड़ेगी? आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ रिवेट्स की जरूरत कितनी पड़ेगी। तो अगर आपने ये कैलकुलेट किया कि एक रिवेट शियरिंग के अंदर कितना लोड ले रही है, एक रिवेट शियरिंग के अंदर अगर 32 kg लोड ले रही है, बियरिंग में 45 kg लोड ले रही है, फाइंड नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड
find number of rivets required to resist to resist 640 kg. कितने रिवेट्स चाहिए होंगे 640 kg लोड को रेजिस्ट करने के लिए? सर कॉलेज में एफिशिएंसी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पढ़ाए हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होगा मित्र? स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट वही तो है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि आपके जॉइंट की स्ट्रेंथ किस पे निर्भर करेगी, जो सबसे कमज़ोर है उस पे ही तो डिपेंड करेगी। चार दोस्त मूवी देखने चले गए कॉलेज से बंक मार के, ठीक है, अब चारों ने आकर के वापस कॉलेज में एंटर हुए। जब छुट्टी हो रही थी तो फिर से अटेंडेंस, कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है ना, जाते हुए भी अटेंडेंस लेंगे। फिर से अटेंडेंस हुई तो सर ने कहा कि बीच में तो तुम 3-4 घंटे गायब थे, कहाँ चले गए थे? तो सब ने बहाने बनाए और सबके दिमाग में डर क्या था कि ये वाला दोस्त ये फंसवा सकता है, बाकी सब पे तो भरोसा है कि हम बच जाएंगे, ये वाला फंसवा देगा। तो सबसे वीकेस्ट जो होता है उसी पे डाउट जाता है। तो हमारी स्ट्रेंथ किसके करस्पॉन्डिंग डिसाइड होती है? सबसे वीकेस्ट के करस्पॉन्डिंग डिसाइड होती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होगा? रिवेट फेल हो गई तो भी जॉइंट फेल हो गया, रिवेट बीयरिंग में फेल हुई तो भी जॉइंट फेल, रिवेट शीयरिंग में फेल हुई तो भी जॉइंट फेल, अगर प्लेट टीयरिंग में फेल हुई तो भी जॉइंट फेल। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या है? मिनिमम ऑफ दीज थ्री है ना। ट्वेंटी रिवेट्स आ जाएगा। रिवेट वैल्यू किसके बराबर होगी? रिवेट वैल्यू विल बी मिनिमम ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ, मिनिमम ऑफ बियरिंग स्ट्रेंथ। सो मिनिमम ऑफ 32 kg, मिनिमम ऑफ 45। 32 kg आया, एक रिवेट इतना लोड ले सकती है, तो नंबर ऑफ रिवेट्स, लोड कितना आया, एक रिवेट कितना, लोड कितना आया, एक रिवेट कितना रेजिस्ट कर सकती है? 20 रिवेट्स आ गया आंसर। चले आगे, नेक्स्ट। ये बातें हो गई स्ट्रेंथ से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड, कैसे कैलकुलेशंस करते हैं हम इनकी, और इन्हीं के स्पेसिफिकेशंस आपको दिए हुए हैं। सो एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, लीस्ट वैल्यू ऑफ PSBBPT, या जिसे हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ एट जॉइंट बोल सकते हैं या स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट जिसे हम कह सकते हैं। सो दिस विल बी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड मेन प्लेट। मेन प्लेट के अकॉर्डिंग चलना है, कवर प्लेट की स्ट्रेंथ यहाँ नहीं देखनी है आपको। नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड के केस में हमने टोटल एक रिवेट कितना फोर्स ले सकती है वो कैलकुलेट किया, फिर टोटल लोड अपॉन एक रिवेट की वैल्यू वो पुट करेंगे, नंबर ऑफ रिवेट्स आ जाएंगे हमारे पास। कौन सी रिवेटिंग ज़्यादा सही रहेगी, चेन रिवेटिंग बेटर होती है, डायमंड रिवेटिंग बेटर होती है, कौन सी होती है, इनको अगर हम देखें, आप लगा जो आपकी चॉइस है वो आप लगा सकते हैं। बस आपको इंश्योर करवाना होगा कि सेक्शन आपका सेफ है या नहीं है, सेक्शन सेफ है या नहीं है। तो इनके केस में इनकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होता है, तो क्रिटिकल सेक्शन मेन प्लेट के लिए आउटर मोस्ट सेक्शन होता है। लोड आएगा सबसे पहले किस पे अटैक्ट करेगा, इस रिवेट पे करेगा, फिर इस पे करेगा, फिर इस पे करेगा, फिर उसके बाद कवर प्लेट के लिए बात करें तो कवर प्लेट में इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, एंड सो ऑन, इस तरीके से लोड जाएगा। तो कवर प्लेट के लिए क्रिटिकल सेक्शन इनर मोस्ट होता है, मेन प्लेट के लिए क्रिटिकल सेक्शन आउटर मोस्ट होता है। सेक्शन 1-1 मेन प्लेट का कब फेल होगा, जब जितनी स्ट्रेंथ मेन प्लेट की है उतना लोड अगर आ गया तो सेक्शन 1-1 फेल हो जाएगा। तो 1-1 की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने प्रेजेंट हैं होल यहाँ, 3, तो B-3D इंटू T इंटू सिग्मा 80, इतना लोड अगर आ गया तो ये फेल हो जाएगा।
टू टू कब फेल होगा, जब टू टू तक कितना लोड पहुंच गया, बी माइनस थ्री डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी, ये खुद रेजिस्ट कर सकता है, लेकिन इस पर लोड जब इतना प्लस इससे आगे तीन रिवेट हैं जो थ्री आर वी के बराबर लोड रोक लेंगी, तो जब उतना लोड आ जाएगा प्लस थ्री आर वी इतना लोड आ जाएगा तब वो फेल होगी, मतलब तब तक वो इंटैक्ट रहेगी। इसके लिए कहें तो बी माइनस थ्री डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी, ये खुद रेजिस्ट कर सकती है, प्लस इससे आगे छः रिवेट्स हैं तो प्लस सिक्स आर वी, इतना लोड जब आ जाएगा तब जा करके ये फेल होगी। तो ये मेन प्लेट के लिए, सिमिलरली कवर प्लेट्स के लिए उधर से शुरू कर सकते हैं। भयंकर बफरिंग हो रहा है, ये भयंकर बफरिंग क्या होती है, भयानक बफरिंग। हाँ, महल वाला एग्जांपल जब आपने मूवीज में देखा होगा, युद्ध होता है तो दुश्मन सबसे पहले आक्रमण कहाँ पर करता है, आक्रमण पहले तो दुश्मन की सेना जो है वो आपस में लड़ती है, एक दूसरे दुश्मन होते हैं वो, जब एक सेना भारी होने लगती है तो वो दूसरे राजा के किले पर चढ़ाई कर देती है। वो कहाँ से एंटर करेंगे, मुख्य द्वार से, बाहुबली होगा तो दीवार कूद के जाएगा, अदरवाइज बाकी सब मुख्य द्वार से एंटर करते हैं। कहाँ अटैक करेंगे, सबसे पहले मेन गेट पे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्टेयर से जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर जो सैनिक होंगे उन्हें मारेंगे। इसी तरीके से पहले मेन प्लेट पे अटैक होगा, फिर मेन प्लेट पे अगर अटैक हो रहा है तो आउटर मोस्ट सेक्शन पे हो रहा है, कवर प्लेट पे है तो सबसे पहले कहाँ हो रहा है, इनर मोस्ट सेक्शन के ऊपर अटैक हो रहा है। रिवेट ज़्यादा यूज़ की तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी क्या? अब आप खुद सोच लीजिए, अगर आपने एक प्लेट में बहुत सारी रिवेट यूज़ कर ली, कितनी सारी रिवेट यूज़ कर ली, यहाँ भी रिवेट, यहाँ भी रिवेट, यहाँ भी, 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 क्या हो जाएगा, इन रिवेट को लगाने के लिए इतने सारे होल कर दिए कि आपने तो प्लेट का नेट सेक्शन ही कम कर दिया, पूरा एरिया ही खा गए आप इसका, जिसके कारण क्या होगा, ये जल्दी से ही टूट जाएगी, वो रिवेट्स काम की भी नहीं रहेंगी, प्लेट ही कट जाएगी, यहाँ से प्लेट की ही टीयरिंग हो जाएगी। चले आगे, चलो नेक्स्ट। ये बात हो गई हमारी प्लेट्स के सेक्शंस के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि प्लेट की विड्थ इतनी है, उसके अंदर एक लाइन में तीन रिवेट यूज्ड हैं, चार रिवेट यूज्ड हैं, उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करें टेंशन में। तो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, बी माइनस नंबर ऑफ होल्स जितने हैं इनटू थिकनेस इनटू सिग्मा एटी करना है, आंसर आ जाएगा। देन अगर आपको प्लेट का स्प्लिटिंग फेलियर, प्लेट का बियरिंग फेलियर, प्लेट का टीयरिंग फेलियर, ये सब अवॉइड करने हैं, टीयरिंग को तो हम डिज़ाइन ही करेंगे, प्लेट का स्प्लिटिंग, प्लेट का बियरिंग और प्लेट का शियरिंग फेलियर, ये तीनों अगर अवॉइड करने हैं, उस केस में आप कम से कम जो एंड डिस्टेंस रखें वो कितना रखें, अगर मशीन कट से आपने यहाँ पर होल किया था तो 1.5 टाइम्स ऑफ ग्रॉस डाया, अगर आपने मशीन कट नहीं यूज़ किया, आपने अगर हैंड कट एलिमेंट्स अगर यूज़ किया, उस केस में 1.7, जब हम डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन के वक्त ट्वाइस द ग्रॉस डाया के बराबर कम से कम डिस्टेंस ले लेते हैं, मिनिमम एज एंड एंड डिस्टेंस। फिर आते हैं पिच डिस्टेंस के ऊपर, पिच की बात करें तो एक रिवेट को दूसरी रिवेट से कितने गैप पर कम से कम रखेंगे, पिच डिस्टेंस की बात करें तो मिनिमम पिच जो है वो 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया कंसीडर करते हैं। आप जब मिनिमम एंड डिस्टेंस बता रहे थे तो ग्रॉस डाया था मशीन कट के केस में 1.5, अगर आप बात करेंगे हैंड कट एलिमेंट्स की तो 1.7, डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ले लेते हैं जनरली हम। अगर हम बात करें पिच की तो पिच के केस में आप मिनिमम पिच जो अडॉप्ट करेंगे वो 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया अडॉप्ट करेंगे। मैक्सिमम पिच की बात करेंगे अगर प्लेट्स में कंप्रेशन नेचर के लोड लग रहे हैं तो उस केस में आप 12T एंड 300mm और 200mm, 12T 200mm, इतनी मैक्सिमम से मैक्सिमम पिच रखेंगे। और यहाँ पर टी होगी थिकनेस, जो थिनर प्लेट होगी उसके अकॉर्डिंग टी होगी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट,
टेंशन के केस में 16T और 200 mm, स्टेगर्ड पिच आ जाएगी तो इन वैल्यूज़ को 50% से इंक्रीज कर देंगे, तो उस केस में 18T 300 mm, 24T 200 mm। एक बार इसे निहार लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन देखें, इफ 16 mm डाया रिविट इज यूज्ड टू जॉइन इज यूज्ड टू जॉइन 12 mm 8 mm थिक प्लेट्स, फाइंड मिनिमम पिच, फाइंड मिनिमम पिच मिनिमम एंड डिस्टेंस पार्ट सी मैक्सिमम पिच कंप्रेशन के केस में मैक्सिमम पिच टेंशन के केस में बताएं। विच मेथड इज मोस्ट यूज्ड? WSM पुराना मेथड था, अभी लिमिट स्टेट मेथड यूज होता है, बहुत जगह तो पढ़ा भी नहीं जाता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड आउट ऑफ फैशन हो गया, पढ़ा भी नहीं जाता है। हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अभी भी एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है। हमारा टारगेट क्या है? एग्ज़ाम के लिए पढ़ना। अगर हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ हम क्यों छोड़ेंगे। देखें, मिनिमम पिच की बात करें, मिनिमम पिच पार्ट ए, मिनिमम पिच कम से कम पिच जो आप ऑप्ट करते हैं वो 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया होती है। सो 2.5 टाइम्स ऑफ 16 कितना आंसर आएगा? 40। क्या हो गया? 40 mm पार्ट ए का आंसर आ गया। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। मिनिमम एंड डिस्टेंस, मिनिमम एंड डिस्टेंस, मिनिमम एंड डिस्टेंस मशीन कट के केस में, फ्लेम कट, मशीन कट, इस केस में देखेंगे तो वो 1.5 टाइम्स ऑफ ग्रॉस डाया यूज़ करते हैं। ग्रॉस डाया की वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी 1.5, 16 प्लस 1.5 कितना? 17.5 mm डाया ऑफ होल हो जाएगा। अगर रिवेट का नॉमिनल डाया 16 mm है तो डायामीटर ऑफ होल, ग्रॉस डाया 16 प्लस 1.5, ये वैल्यू कितनी आई? ये वैल्यू कितनी आई? 17.5 इंटू 1.5 26.25।
चलिए आगे बढ़े, पार्ट बी हुआ, पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी, मैक्सिमम पिच कंप्रेशन के केस में, मैक्सिमम पिच आपको बतानी है किस केस में, कंप्रेशन के केस में। तो मैक्सिमम पिच जो होगी, ज्यादा से ज्यादा इतनी पिच होनी चाहिए, तो जहां यहां मैक्सिमम आ जाता है यहां पे मिनिमम यूज कर लीजिए। सो मिनिमम किसका, मिनिमम 12T या 200 का, और 12T में भी टी कौन सा, थिन वाला, इनका मिनिमम यूज करना है। सो मिनिमम ऑफ 12 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, दो प्लेट हैं, एक 12 की है एक 8 की है, ये वाली 8mm वाली यूज कर लेंगे यहां पर। तो वैल्यू कितनी आई, इनमें से मिनिमम क्या हो जाएगा, नाइन्टी सिक्स एम एम। मैक्सिमम पिच ये तो थी कंप्रेशन में, पार्ट डी मैक्सिमम पिच अगर टेंशन में बतानी है, तो टेंशन के केस में क्या हो जाएगी, मिनिमम ऑफ 16T मिनिमम 200। सो मिनिमम ऑफ 16×8 या 200, 128 आ जाएगा। सो 12T 200, 16T 200, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है और इस तरह से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं आपसे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, मैक्सिमम पिच अगर स्टैगर्ड पिच आ गई तो उस केस में आप 18T कर देंगे, 50% इंक्रीज कर देंगे इन वैल्यूज को, 18T 300, 24T 300 आप यूज करेंगे। नेक्स्ट बात आती है आपके पास, गेज लेंथ शुड नॉट बी मोर देन 100+40 या फिर 200mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम एज डिस्टेंस की वैल्यू जो है आपकी वो 12T एप्सिलॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जहां पर एप्सिलॉन क्या है, 250YFY, रूट ऑफ 250YFY। टी इज थिकनेस ऑफ आउटर मेन प्लेट, आउटर मेन प्लेट की थिकनेस टी कंसिडर कर रहे हैं। वेन द मेंबर आर एक्सपोज टू करोजन, तो उस केस में मैक्सिमम एज डिस्टेंस की वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40+40। टैक रिवेट के केस में, अगर टैक रिवेट्स ऐसी रिवेट होती हैं जो कि कोई स्ट्रक्चरल लोड नहीं लेती, बस मेंबर्स को ज्वाइन करवाने का काम करती है, तो टैक रिवेट्स के केस में आप मैक्सिमम पिच जो कंसिडर करेंगे वो 1000mm अगर टेंशन में है तो, कंप्रेशन लोड अगर लग रहे हैं तो उस केस में 600mm आप कंसीडर करते हैं। व्हेन टू प्लेट्स आर अटैच्ड टू अ गजर प्लेट बैक टू बैक, तो उस केस में 32T या फिर 300mm आप कंसीडर करेंगे। मैक्सिमम पिच की वैल्यू 32T 300mm जब प्लेट्स वेदर को एक्सपोज नहीं है, वेदर को अगर एक्सपोज हैं तो 16T या फिर 200mm आप इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं अनविन फार्मूला के ऊपर, जब आपको रिवेट का डायमीटर नोन नहीं होता है तो एक आइडिया लेने के लिए आप रिवेट का डायमीटर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 6.04 रूट टी, जहां पर टी की वैल्यू एमएम में आपको पुट करनी है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको टी की वैल्यू सेंटीमीटर में दे देगा, तो एमएम में कन्वर्ट करके इसमें पुट कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें आपसे फार्मूला ही पूछ लेगा, तो 6.04 रूट टी आपसे हो सकता है ऐसा फार्मूला पूछ ले जिसमें आपको ये बोल दे वो कि अगर टी की वैल्यू सेंटीमीटर में पुट करें हम तो फार्मूला क्या बनेगा, तो अकॉर्डिंगली कन्वर्जन इसमें करके बता दीजिएगा। फील्ड रिवेट के केस में स्ट्रेस को आप 10% से रिड्यूस कर देते हैं, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट से फील्ड रिवेट की बात करें तो 10% का रिडक्शन हम करते हैं। परमिसिबल स्ट्रेस को आप इंक्रीज करते हैं अगर विंड लोड को कंसीडर किया जाता है तो 25% से, अगर विंड एंड अर्थक्वेक को कंसीडर कर रहे हैं तो भी 25 से। थिकनेस ऑफ कवर प्लेट अगर गिवन नहीं है तो थिकनेस ऑफ कवर प्लेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5/8 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर मेन प्लेट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रिप लेंथ की बात करें तो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया, WSM के केस में शुड नॉट बी ग्रेटर देन 8 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया। नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि प्लेट जो है
वो टीयरिंग में भले ही फेल हो जाए लेकिन रिवेट फेलियर नहीं होना चाहिए। तो रिवेट्स की सबकी मिला करके जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा ही रहे जितनी प्लेट की टीयरिंग के अंदर स्ट्रेंथ थी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया आ जाता है। सिंगल रिवेटेड जॉइंट का मतलब होता है कि आपने सिंगल रिवेटेड, सिंगल कवर या आगे का तो जॉइंट का आपको टाइप दिया हुआ होगा, सिंगल रिवेटेड का मतलब एक लाइन ऑफ रिवेट प्रेजेंट है, डबल रिवेटेड जॉइंट का मतलब दो लाइन ऑफ रिवेट हैं। अब उस लाइन में कितनी भी रिवेट हो सकती हैं, ये आपको लाइंस के बारे में दे रखा है। इसेंट्रिक कनेक्शन से अगर हम देखें तो इसेंट्रिक कनेक्शन से प्री के अंदर या ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर चांस बहुत कम होते हैं पूछे जाने के। बेसिकली इसमें करते क्या है, टोटल लोड को नंबर ऑफ रिवेट्स पे हम डिवाइड कर देंगे कि हर रिवेट पर इफेक्टिवली कितना लोड आ रहा है। फिर ये जो सबसे क्रिटिकल रिवेट होती है, इस क्रिटिकल रिवेट के ऊपर देखेंगे कि लोड कौन कौन सा आ रहा है। एक तो डायरेक्ट शीयर के कारण आएगा, एक आएगा इसकी टॉर्जन के कारण या फिर ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण जो शीयर आएगा, फिर उन दोनों का रिजल्टेंट ले लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पी आर ई अपॉन सबमिशन ऑफ आर आई का स्क्वायर। आप सी जी ऑफ द ग्रुप से, आप क्या करते हैं सी जी ऑफ द ग्रुप से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करो आर वन, फिर उसका स्क्वायर प्लस आर टू उसका स्क्वायर, तो प्लस आर थ्री का स्क्वायर प्लस आर फोर का स्क्वायर आर फाइव का स्क्वायर आर सिक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इन सब का सबमिशन तो नीचे पुट करते हैं, पी इंटू आर जो क्रिटिकली स्ट्रेस्ड रिवेट है उसका डिस्टेंस आप कैलकुलेट करके आर उसमें मेंशन करते हैं, और इनटू ई इस पूरे के सीजी से ई इसेंट्रिसिटी के ऊपर ये लोड जो प्रेजेंट है, इस तरीके से आप इसमें कैलकुलेशंस करते हैं। देन बोल्टेड कनेक्शन पे आते हैं। बोल्टेड कनेक्शन में सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछते हैं। बोल्टेड कनेक्शन में आपसे पूछेंगे नट और बोल्ट क्या होता है, ये तो पता होगा ना आपको। ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज बोल्ट, और इसके नीचे ये जो थ्रेड्स में फिक्स किया जाता है वो नट कहलाता है। तो ये बोल्ट है, इसके अंदर हम नट को टाइटन करते हैं। सो बोल्टेड कनेक्शन में आपसे पूछा जाता है कि बोल्ट का जो नेट एरिया है वो कितना होता है। नेट एरिया मतलब यहाँ पर ये थ्रेड बना देने की वजह से एरिया कुछ रिड्यूस हो गया, जितना एरिया यहाँ प्रेजेंट था उतना एरिया अब यहाँ नहीं प्रेजेंट है। जब आप इस रूट की थ्रेड पे देखेंगे, जब आप इस रूट की थ्रेड पे देखेंगे तो यहाँ पे एरिया कम हो गया ना, नेट एरिया कम हो गया, तो ये कितना कंसीडर करते हैं, ये कंसीडर करते हैं हम 78% ऑफ जितना शेंक का एरिया था, तो 78% ऑफ शेंक एरिया हम कंसीडर करते हैं। बोल्ट जो होते हैं उनका प्रोडक्शन, या ये कहिए कि रिवेट के कंपैरिजन में बोल्ट महंगे होते हैं, लेकिन उनका इंस्टॉलेशन उतना ही सस्ता पड़ता है, ईजी पड़ता है, उसके अंदर कोई खास स्किल की ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ती है। पंच करने के मुकाबले, ड्रिल करने के मुकाबले जो ड्रिलिंग ऑफ होल्स है वो ज़्यादा बेटर प्रोसेस है। आप ड्रिल बिट का यूज़ करते हैं, जो आपके पास ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं, हैमर मशीन्स होती हैं, उनके आगे बिट लगते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। तो बिट जैसे आप घर पे भी अपने पास रखते होंगे, घर पे कोई छोटे मोटे काम के लिए, तो बिट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। वुड के लिए अलग बिट यूज़ होता है, कंक्रीट के लिए अलग बिट यूज़ होता है, स्टील के अंदर अगर आपको होल करना है तो उसके लिए अलग बिट यूज़ होगा। तो बिट्स के थ्रू आप ड्रिल कर रहे हैं उसे, तो ड्रिलिंग जो है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू अगर आप डायरेक्टली पंच करते हैं, तो पंच करने से ड्रिलिंग बेटर रहती है, स्ट्रेंथ इतनी रिड्यूस नहीं होती। जब आप पंच करते हैं तो इस होल के अराउंड का जो एरिया है इसके स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है, इसकी बियरिंग हो जाती है। तो बाद में जब इस पे फास्टनर आएगा, चाहे रिवेट आए चाहे बोल्ट आए, तो वो इस एरिया के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस लगाएगा, तो ये और यह एरिया धीरे धीरे और ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इसी के रिलेटिव ड्रिलिंग ज़्यादा बेटर होती है, ये बात हुई इसकी। उसके बाद बोल्टेड कनेक्शन से रिलेटेड और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन जाते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि ग्रेड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्ट के अंदर, अ बोल्ट हैज़ 4.6 ग्रेड, तो इट मीन्स दैट 4.6 में 4 क्या बता रहा है, इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है 400 MPa, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है 400 इंटू 0.6 कर दीजिए 240, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप इसे। अगर आपके पास 8.8 ग्रेड का बोल्ट है, इट मीन्स इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी स्ट्रेंथ है 800 MPa अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और इसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है 640 है, तो 8 इंटू 8 कर सकते हैं, 800 इंटू 0.8 कर सकते हैं, आप ये याद आ जाएगा आपको। टेंसाइल स्ट्रेस एरिया ऑफ बोल्ट जो आप कंसीडर करते हैं वो कौन सा कंसीडर करेंगे, अगर आपके पास 20 mm डाया का बोल्ट है, अगर आपके पास 20 mm डाया का बोल्ट है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर।
लेकिन बोल्ट के लिए अगर नेट एरिया की बात करें तो अगर आप नेट एरिया ऑफ बोल्ट कंसीडर कर रहे हैं तो वो 0.78 टाइम्स ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ बोल्ट हो जाएगा या नॉमिनल एरिया ऑफ बोल्ट हो जाएगा। इसे कैलकुलेट जब आप करेंगे तो ये लगभग आएगा 245 mm के आसपास ही। ये कितना आएगा? 245 के आसपास ही आएगा। स्टील डिज़ाइन 8 से 10 नंबर मान सकते हैं आप, 8 नंबर के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने का आएगा, 8 के आसपास। जिन दोस्तों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको बोल्ट का डायमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि आप ये बताएं कि बोल्ट का टेंसाइल स्ट्रेस में कितना एरिया आएगा, तो एरिया कैलकुलेट करना इंटू 0.78 कर देना, तो जितना शेंक का एरिया होता है उसका 78% आप कंसीडर कर लेंगे तो आपको ये थ्रेडिंग वाला एरिया या नेट एरिया आपको मिल जाएगा। अलग अलग टाइप के आपके पास बोल्ट होते हैं, ब्लैक बोल्ट स्ट्रेंथ कम होती है, इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। देन आते हैं दो बोल्ट्स, जो ब्लैक बोल्ट आते हैं वो किस किस ग्रेडिंग के अंदर आते हैं। 5 mm से 36 mm साइज़ में आते हैं, इस फॉर्म में लिखा होगा जैसे M36, तो M जो है वो मीट्रिक के लिए स्टैंड करता है, 36 उसका साइज़ दिया हुआ होगा। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि इन द डेजिग्नेशन ऑफ अ ब्लैक बोल्ट M36, M स्टैंड्स फॉर एंड 36 स्टैंड्स फॉर, तो ऑप्शन में आपको चूज करना है M स्टैंड्स फॉर मीट्रिक, 36 स्टैंड्स फॉर 36 mm, mm में और कोई यूनिट में नहीं, तो वो आपको चूज करना होगा। टर्न्ड बोल्ट्स या क्लोज टॉलरेंस बोल्ट जो होते हैं ये हम पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चूज कर सकते हैं, इनकी और अच्छी स्ट्रेंथ हमें मिल जाती है। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट जो हमारे पास होते हैं वो उनके अंदर फ्रिक्शन भी पार्टिसिपेट करता है, या फिर ये कह लीजिए फ्रिक्शन के थ्रू भी स्ट्रेंथ कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। यूजुअली हम ये कहते हैं कि दो प्लेट्स के बीच में फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा है, दो प्लेट्स के बीच में फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन बोल्ट्स को इतना अच्छे से टाइटन कर दिया आपने, अगर इन बोल्ट्स को इतना अच्छे से टाइटन कर दिया है आपने कि अब ये जब लोड लगेगा तो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन भी पार्टिसिपेट करने लग जाए यहाँ पर प्लेट्स के बीच में, तो फ्रिक्शन बोल्ट्स के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं। आप वॉशर का भी इस्तेमाल करते हैं, आप क्या करते हैं? वॉशर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके जो फेवरेट टिकटॉकर्स या रीलर्स हैं उनके गले में भी आपने कभी ना कभी वो वॉशर देखी होगी, काला सा धागा बांध के एक उसके अंदर लटका के रखते हैं एक सर्किल सा, वो क्या है? वॉशर है। कहाँ पे इस्तेमाल होती है? हम सिविल इंजीनियर्स उसे कहाँ पे यूज़ करते हैं? जो नट होता है, जो बोल्ट होता है, बोल्ट के अंदर इस तरफ, ताकि ये जो बोल्ट का हेड है इसके थ्रू जो स्ट्रेस आ रहा था उस स्ट्रेस को ये वॉशर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, क्योंकि यहाँ जस्ट इस प्लेट में होल है तो उस होल के अराउंड के एरिया को वो ख़राब ना करे, एक लार्जर एरिया के ऊपर वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आप दोनों एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं, नट वाली साइड पे भी यूज़ कर सकते हैं, बोल्ट वाली साइड पे भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों साइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? वॉशर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वॉशर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। इसके अंदर भी बोल्टेड कनेक्शन में भी सेम तरीके के जॉइंट्स हो जाते हैं कि आपके पास अगर सिंगल बोल्टेड मतलब सिंगल लाइन ऑफ बोल्ट है, डबल बोल्टेड डबल लाइन ऑफ बोल्ट यहाँ पे है, डबल कवर बोल्टेड जॉइंट अगर आपके पास है तो ऊपर कवर प्लेट नीचे कवर प्लेट और दो मेन प्लेट को एंड टू एंड रखा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। डबल कवर डबल बोल्टेड बट जॉइंट का मतलब हो जाएगा कि दो मेन प्लेट थी उन्हें एंड टू एंड जॉइन किया तो बट जॉइंट हो गया, ऊपर नीचे कवर प्लेट तो डबल कवर, दो लाइंस ऑफ बोल्ट जॉइंट के इस तरफ भी जॉइंट के इस तरफ भी, तो दो लाइंस ऑफ बोल्ट आ रही हैं इसीलिए हमने डबल बोल्टेड बोल दिया इसे। चलें आगे। चलें आगे बढ़ते हैं फटाफट। देन आते हैं
लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म के ऊपर। तो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म कैसे कैसे हो सकता है, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म के अंदर एक तो हम ये कहेंगे लोड आएगा इस फास्टनर में जाएगा, इस फास्टनर से इस प्लेट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा तरीका हो सकता है कि बहुत अच्छे से टाइटन कर देने के बाद अब लोड ट्रांसफर हो रहा है किसके थ्रू, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट कर रहा है, इन प्लेट्स के बीच में अब जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उनके थ्रू लोड ट्रांसफर हो सकता है। तो मेन मेन चीज़ें इसके बारे में ये इतनी हैं। फेलियर ऑफ बोल्ट्स की बात करें तो शीयर फेलियर में ये बोल्ट टूट जाएगा, शीयर फेलियर ऑफ प्लेट के अंदर प्लेट में अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लोड फेलियर देखने को मिलेगा, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट में यहाँ बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट में बोल्ट का मटेरियल यहाँ से बियरिंग में फेल हो जाएगा, पुश हो जाएगा फर्दर, यानी कि इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया एलिप्टिकल होने लग जाएगा। बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट में ये मटेरियल को प्लेट के मटेरियल को पुश कर देगा। टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट्स के अंदर टेंशन में वो बोल्ट फेल हो जाएगा। टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट के अंदर प्लेट लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कट जाएगी। ब्लॉक शीयर फेलियर में दो प्रकार के फेलियर देखने को मिलेंगे, कौन से, एक तो लोड की डायरेक्शन में, तो लोड की डायरेक्शन में शीयर फेलियर होता है, लोड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो लोड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टीयरिंग फेलियर। तो ब्लॉक शीयर फेलियर कब होता है, जब मटेरियल की तो बियरिंग स्ट्रेंथ हाई होती है, ये प्लेट कहेगी मैं तो बियरिंग में नहीं फेल होंगी, और ये बोल्ट जो है ये कहेगा मैं कटूंगा नहीं, मैं एज इट इज ही रहूंगा, तो बोल्ट कटेगा नहीं, ये पूरा का पूरा मेंबर इससे सेपरेट हो गया, इसे क्या बोल देते हैं, ब्लॉक शीयर फेलियर बोल देते हैं। अगर आपके पास बोल्ट का डायामीटर 12 से 14 mm है तो आप डायामीटर ऑफ होल प्लस 1 mm करेंगे, बोल्ट का डायामीटर अगर 16 से लेके 24 mm है तो प्लस 2 करते हैं, उससे ऊपर अगर है तो प्लस 3 mm आप करेंगे, डायामीटर ऑफ होल को प्लस 3 करेंगे। पिच डिस्टेंस गेज डिस्टेंस सेम है, जैसे हमने रिवेट के अंदर कंसीडर किया था वो सारे के सारे स्पेसिफिकेशन सेम है, कुछ भी उनमें डिफरेंट नहीं है, आप इन्हें एज इट इज़ याद रख सकते हैं। देन बात करेंगे डिज़ाइन शीयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट्स की, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में अब आपके ऊपर है कि आप कितना करना चाहते हैं, आपने पहले पढ़ रखा है तो ये रिवाइज करना ही करना है, नहीं पढ़ रखा है तो इस पोर्शन को ठीक ठाक पढ़ लीजिएगा। डिज़ाइन स्ट्रेंथ बोल्ट की क्या होगी, जितना बोल्ट बियरिंग में लोड ले सकता है, जितना बोल्ट शेयरिंग के अंदर लोड ले सकता है, उसे कैसे डिफाइन करेंगे, उसे डिफाइन करेंगे हम कि जो उसकी नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ थी, शेयरिंग के अंदर नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ जो थी उसे आप डिवाइड कर देंगे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, सिमिलरली बियरिंग के केस में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आप उसे डिवाइड कर देंगे। शीयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को आपने डिफाइन किया एफ यू बी, जितनी उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ थी बोल्ट की, डिवाइडेड बाय रूट थ्री इंटू गामा एम, गामा एम यहाँ पे आपके पास है उस बोल्ट के मटेरियल के लिए जो आप पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं। कितने शीयरिंग प्लेन आए नेट एरिया के अंदर, कितने शीयरिंग प्लेन आए जो आपका शेंक वाला एरिया है उसके अंदर, फिर आप ये फैक्टर्स कंसिडर करते हैं तीन, ये रिडक्शन फैक्टर्स होते हैं जो कि लॉन्ग जॉइंट्स के केस में आप कंसीडर करते हैं, इन सब की वैल्यू हम वन कंसीडर कर लेते हैं। सिंगल शीयर के केस में आप ये मान लेंगे कि नेट एरिया से ही वो फेलियर पास हो रहा है, डबल शीयर के केस में ये मान लेंगे कि एक शीयरिंग एरिया जो आपका शेंक एरिया है वहाँ से जा रहा है, एक शीयरिंग एरिया थ्रेड वाले रीजन से या नेट एरिया से जा रहा है। फिर बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के केस में 2.5 kb into d into t into fu upon 1.5 कंसीडर करते हैं, जहां kb की वैल्यू होती है मिनिमम ऑफ एज डिस्टेंस अपॉन 3 टाइम्स ऑफ ग्रॉस डाया, पिच डिस्टेंस ऑफ 3 टाइम्स ग्रॉस डाया माइनस 0.25, fub अपॉन fu एंड 1, इनमें से आपको लीस्ट वैल्यू कंसीडर करनी होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 0.9 fub into नेट एरिया ऑफ बोल्ट अपॉन 1.25 से आप टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कंसीडर कर सकते हैं। देन आते हैं यील्डिंग ऑफ प्लेट और शीयरिंग ऑफ प्लेट। प्लेट की यील्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो आप इसे जो एफ वाई, अब ये लिमिट स्टेट मेथड के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं, जितनी उसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है इनटू ग्रॉस एरिया अपॉन गामा एम नॉट, जिसकी वैल्यू 1.1 कंसीडर हम करते हैं। नेट सेक्शन रप्चर हो रहा है, ये तो हो गई ग्रॉस यील्डिंग की। ग्रॉस यील्डिंग जब पूरा प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर इलोंगेशन आना शुरू हो जाता है। प्लेट फेल कैसे कैसे हो सकती है, प्लेट फेल हो सकती है शीयर में। शीयर का मतलब क्या हुआ, यहाँ अगर रिवेट लगी हुई थी तो लोड की डायरेक्शन में ऐसे फेलियर आ सकता है, ये तो शीयर में फेल हो गई। टीयरिंग फेलियर का मतलब लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो जहाँ पर नेट एरिया कम है, जहाँ पर ज़्यादा रिवेट्स इंस्टॉल्ड थी उसके अलॉन्ग फेलियर आएगा, ये टीयरिंग फेलियर। ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग का मतलब जहाँ पर कंप्लीट एरिया प्रेजेंट था वहाँ से यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा। फेलियर के चांस हालांकि यहाँ ज़्यादा होंगे लेकिन नेट इलोंगेशन जो देखने को मिलेगा, क्योंकि कनेक्शन जो होगा, जॉइंट जो होगा वो तो बहुत थोड़ी लेंथ में होगा, बाकी प्लेट जो है वो सॉलिड रहेगी, तो ओवरऑल ज़्यादा इलोंगेशन इस रीजन में देखने को मिलेगा, ग्रॉस यील्डिंग यहाँ देखने को मिलेगी।
तो आपकी प्लेट ईल्ड करके फेल हो सकती है, आपकी प्लेट रप्चर करके या फिर टीयरिंग में फेल हो सकती है। टीयरिंग के केस में 0.9 FU इंटू नेट एरिया अपॉन गामा M1 आप कंसीडर करते हैं। ब्लॉक शीयर फेलियर के केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती हैं, या तो ये होगा कि शीयर में ईल्ड करेगा और टेंशन में रप्चर कर जाए, यहाँ से कट जाए और यहाँ से ईल्ड करे, खिंचता खिंचता इलोंगेट होता हुआ टूटे, या क्या होगा यहाँ से कट जाए, यहाँ से रप्चर आ जाए शीयर के अलॉन्ग और यहाँ से वो ईल्ड करता हुआ जाए। उसी के करस्पॉन्डिंग दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे फार्मूले हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं वेल्डेड जॉइंट्स के ऊपर। वेल्डेड जॉइंट्स के अंदर जो जॉइंट होता है, वेल्डेड जॉइंट्स के अंदर जो जॉइंट प्रेजेंट रहता है वो वेल्ड से आप कर रहे हैं। वेल्ड का साइज़ क्या कहलाता है, वेल्ड का साइज़ कहलाता है ये जो दो लेग होते हैं इनमें से लीस्ट वैल्यू जो होती है वो साइज़ ऑफ वेल्ड कहलाता है। साइज़ ऑफ वेल्ड को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं के से, एक कांस्टेंट होता है जो किस पे डिपेंड करेगा, ये फेस और ये फेस कितने एंगल के ऊपर है, तो वो के इंटू एस की वैल्यू आ जाती है थ्रोट थिकनेस। थ्रोट क्या होगा, आपका जो वेल्ड होता है उस वेल्ड की सबसे छोटी डायमेंशन होगी, उस वेल्ड की सबसे छोटी डायमेंशन होगी, तो उससे रिलेटेड के की वैल्यूज आपके पास आती हैं कि अगर 60-90% एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस है तो 0.7 यूज करेंगे आप। फिर अगर 91 से 100 है तो 0.65, 101 से 106 है तो 0.6, फिर 107 से लेकर के 113 है तो 0.55, और 0.5 आप यूज़ करते हैं अगर 114 से 120 है। फिलेट वेल्ड आप यूज़ करेंगे एंगल्स की वैल्यू जब 60 से लेकर के 120 के बीच में होगी, इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू के इंटू एस से आप यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन सिंपल सा बनता है। देन आते हैं फिलेट वेल्ड में अगर दो एंगल्स 45 डिग्री के हों तो उसे स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड कहते हैं, अगर एक 30 एक 60 का होगा तो उसे स्पेशल फिलेट वेल्ड के नाम से हम जानते हैं। ये हमारे फिलेट वेल्ड की मेन मेन बातें हो गई। फोर्स के डायरेक्शन के अलॉन्ग अगर वेल्ड किया है तो साइड वेल्ड हो जाएगा, डायगनली किया है तो डायगनल हो जाएगा, फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर किया है तो एंड फिलेट वेल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये मेन मेन बातें हुई इनकी। अब आपके पास अगर दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट कम थिकनेस की है दूसरी प्लेट ज़्यादा थिकनेस की है, तो उस केस में कम से कम कितना साइज़ ऑफ वेल्ड अडॉप्ट किया जाए। तो आपने ये बोला कि ये प्लेट है 8 mm की, ये प्लेट है 12 mm की, तो कम से कम मिनिमम साइज़ ऑफ वेल्ड कितना अडॉप्ट किया जाए। तो मिनिमम साइज़ ऑफ वेल्ड आप अडॉप्ट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, थिकर प्लेट के अकॉर्डिंग। थिकर प्लेट की थिकनेस कितनी है, 12 mm। 12 mm किस रेंज में लाई कर रहा है, 12 mm इस रेंज में लाई कर रहा है, तो आप कहेंगे मिनिमम थिकनेस जो अडॉप्ट की जाएगी वो कितनी, 5 mm, कम से कम 5 mm। ये टेबल याद कर लीजिएगा, 3, 5, 6, 8, और अगर इससे ज़्यादा है, 32 से ज़्यादा है तो 8, 50 से ज़्यादा है तो 10 mm आप यूज़ कर लेते हैं। ये होती है कम से कम कितना साइज़ ऑफ वेल्ड अडॉप्ट करना है। मैक्सिमम साइज़ ऑफ वेल्ड की बात करें तो मैक्सिमम साइज़ ऑफ वेल्ड के केस में आप कहेंगे कि आप यहाँ यूज़ करें थिनर प्लेट। कौन सी प्लेट यूज़ करें, थिनर प्लेट यूज़ करें। तो थिनर प्लेट इन दोनों में से कौन सी, लेट से अगर ये 8 mm है, ये 12 mm है, तो आप इतना वेल्ड कर दें कि यहाँ से कितना गैप छोड़ दीजिए, 1.5 mm का गैप छोड़ दीजिए, फिर वेल्ड कर दीजिए। तो साइज़ ऑफ वेल्ड कितना होगा, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट माइनस 1.5, अगर स्क्वायर एज पे वेल्ड है, राउंडेड पे है तो 3/4 टाइम्स ऑफ थिकनेस जो प्लेट है आपके पास उसका। डन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड में से 2 times साइज ऑफ वेल्ड कर देते हैं। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड एक्चुअल में इफेक्टिवली कितना वेल्ड का लेंथ काम कर रहा है, और ये कम से कम होना चाहिए 4 times साइज ऑफ वेल्ड। इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड शुड बी एटलीस्ट 4 times साइज ऑफ वेल्ड, और इफेक्टिव लेंथ को कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल लेंथ में से 2x द साइज ऑफ वेल्ड माइनस करके दोनों तरफ से। फिर इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होता है, ये थ्रोट के अबाउट ही हमेशा फिलेट वेल्ड फेल होगा, शीयर में फेल होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछता है फिलेट वेल्ड कैसे फेल होता है, शीयर में फेल होता है, किसके अबाउट, थ्रोट के अबाउट फेल होता है। सो थ्रोट से फेल होगा इनटू लेंथ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वो एरिया है जिसे हमें डिज़ाइन करना है कि ये शीयर में फेल ना हो जाए, शेयर में फेल ना हो जाए तो इस एरिया के लिए हमें डिज़ाइन करना है। सो इफेक्टिव लेंथ इनटू थ्रोट थिकनेस वो एरिया आ जाएगा। ये वेल्ड का मटेरियल कितना स्ट्रेस ले सकता है, सिग्मा एस ले सकता है, तो सिग्मा एस इनटू दिस एरिया, ये आ गया आपके पास फोर्स, इतना फोर्स आपका वेल्ड रेजिस्ट कर सकता है।
जब भी लेंथ अवेलेबल फॉर वेल्ड ज़्यादा होती है और इतनी दूर तक वेल्ड आपको करना नहीं है, आपको वेल्ड रिक्वायर्ड जो है वो लेंथ कम है, तो आप एक जगह वेल्ड करेंगे फिर गैप छोड़ेंगे, फिर वेल्ड करेंगे फिर गैप छोड़ देंगे, तो इसे कहते हैं इंटरमिटेंट वेल्डिंग। इंटरमिटेंट वेल्डिंग के केस में पिच की वैल्यू जो आप यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ 12T या 200 mm, टेंशन जोन के केस में 16T 200, सेम रिवेट के केस में जो हम देख रहे थे। अगर लेंथ अवेलेबल फॉर वेल्ड इज़ लेस देन लेंथ रिक्वायर्ड फॉर वेल्ड, उस केस में स्लॉट वेल्डिंग करते हैं, ऐसे स्लॉट्स बनाएंगे और फिर इनको वेल्ड करवा करके हम ज्वाइन करते हैं। अब इस केस में ये विड्थ ऑफ स्लॉट जो है इट शुड नॉट बी लेस देन 25 mm या 3 times थिकनेस ऑफ द मेंबर जिसमें हम स्लॉट बना रहे हैं, ये आपको याद रखना है। देन लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ की डायरेक्शन में जो शेयर आता है या लोड की डायरेक्शन में जो वेल्ड लगा है उस पर जो शेयर आ रहा है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में या इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो ट्रांसवर्स शेयर आपके पास आ जाएगा। इसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन से एज सच कोई क्वेश्चन ज़्यादा खास बनेंगे नहीं, सिंपली अगर आपसे कोई पूछेगा तो इसेंट्रिक के अंदर दो टाइप्स बन सकते हैं, एक इन प्लेन इसेंट्रिक कनेक्शन। इन प्लेन का मतलब क्या हुआ कि अगर ये कोई आई सेक्शन था, इस आई सेक्शन के अंदर इस फ्लेंज के पैरेलल ही इसे रख के वेल्ड कर दिया तो ये इन प्लेन वाला होगा। इन प्लेन के अंदर एक तो डायरेक्ट शेयर लोड आएगा, एक इसकी ट्विस्टिंग के कारण आएगा। दूसरा अगर आउट ऑफ द प्लेन कनेक्शन है, आउट ऑफ द प्लेन वेल्डेड कनेक्शन है, तो उस केस में आउट ऑफ प्लेन मतलब ऐसे वेल्ड किया हुआ है, प्लेन से बाहर आता हुआ, इस फ्लेंज के प्लेन से बाहर आता हुआ। अब जब इस पे लोड लगेगा, जब यहाँ पे लोड लगेगा तो इस लोड लगने के कारण अब ये बेंड होने की कोशिश करेगा, जब ये ऐसे बेंड होगा तो इस केस में इस बेंडिंग के कारण इस डायरेक्शन में शीयर लगेगा। नॉर्मल लोड परपेंडिकुलरली लग रहा था और ये इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो बस इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि आउट ऑफ द प्लेन वेल्डेड कनेक्शन के केस में कैसे कैसे फेलियर आएगा, तो आउट ऑफ प्लेन में इस बेंडिंग के कारण आएगा, इन प्लेन कनेक्शन के अंदर वो टॉर्जनल शेयर या ट्विस्टिंग के कारण आएगा। कंप्रेशन मेंबर के ऊपर अगर हम आ जाएं तो कंप्रेशन मेंबर में कॉलम जो एक्सियल डायरेक्शन में लोड लेते हैं और वर्टिकल होते हैं। स्ट्रट की बात करें तो स्ट्रट इंक्लाइन मेंबर हो सकते हैं, कंप्रेशन लेते हैं। ट्रस एक फ्रेम है पूरा जिसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ट्रस फ्रेम तो नहीं बोलेंगे, ट्रस जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें मेंबर्स कंप्रेशन में या टेंशन में हो सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट हर जगह जीरो होगा। फ्रेम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेंडिंग मोमेंट भी एग्जिस्ट कर सकता है और बाकी कंप्रेशन टेंशन लगेगा मेंबर्स के ऊपर। स्टेंशन किसे बोलते हैं, जो स्टील के कॉलम्स होते हैं उन्हें हम स्टेंशन बोलते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पर ये RCC के कॉलम बना रखे थे, उसके ऊपर ये स्टील के कॉलम बना दिए, सो बेसिकली किस लिए, एक तो नीचे तक अगर ग्राउंड में हम स्टील के कॉलम ले जाएंगे तो इन्हें थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुँचेगा, बारिश का पानी गिरेगा इनके ऊपर या फिर एनवायरनमेंट कोरोजन इन सब से ख़राब होंगे, तो थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से ऊंचा भी रख लिया और इस कंक्रीट के ऊपर एक प्लेट प्रोवाइड करके इन्हें रख दिया यहाँ, जिससे कि ये लोड को भी अच्छे से ग्राउंड तक ले जाएं। इसको बोलेंगे स्टेंशन, ये स्टील वाला जो पोर्शन है इसको स्टेंशन। इन जनरल जब आप मूवी देखने जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं या जहाँ पे भी सिक्योरिटी वाली लाइंस होती हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसे ही टेम्परेरी से बैरियर देखने को मिल जाते हैं, तो इन्हें भी स्टेंशन के नाम से भी हम जानते हैं। बूम होता है प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर, क्रेन का मेन जो कंप्रेशन मेंबर होता है उसे बूम कहते हैं। कॉलम फेल हो सकता है स्क्वैश होकर के, डायरेक्ट कैसे हो गया, स्क्वैश हो गया, कंप्रेशन में फेल हो गया, तो शॉर्ट कॉलम ज़्यादातर वैसे फेल होते हैं। लोकल बकलिंग का मतलब कोई इंडिविजुअल प्लेट एलिमेंट फेल हो रहा है, कॉलम का फ्लेंज वेब इनमें से कुछ फेल हो गया। फ्लेक्सुरल बकलिंग मतलब बेंड होने के कारण बकल हो गया, टॉर्जन के मतलब ट्विस्ट होने के कारण बकल हो गया, फ्लेक्सुरल टॉर्जनल मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फेल हो गया वो। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ की वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, केस नंबर 1, 2, 3, 7। RCC में भी इसकी बात की थी हमने, तो सेम ही है ये इफेक्टिव लेंथ 1, 2, 3, 7। अब इसको यहाँ पर ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आ चुका, RCC में आ चुका, सेम है, याद रखिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वैल्यू यूज़ करते हैं हम थ्योरेटिकल वाली, RCC और स्टील में रिकमेंडेड वाली यूज़ करते हैं। लेज्ड कॉलम के केस में 5% से इन वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते हैं, बैटेंड कॉलम के केस में 10% से इन वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, अगर ये बोला जाता है एक ऐसा कॉलम है जिसके दोनों एंड हिंज्ड हैं,
यानी कि उसकी इफेक्टिव लेंथ तो कितनी हो जाएगी, एक्चुअल लेंथ के बराबर हो जाएगी, लेकिन वो बैटेंड कॉलम है ऐसा लिखा हुआ मिलता है, तो इस वैल्यू को 10% से इंक्रीज करना है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटेंड कॉलम अगर आपसे पूछता है तो 10% से इंक्रीज कर लेना, लेज्ड कॉलम है तो 5% से इंक्रीज कर लेना आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। एक ऐसा डिस्टेंस है जिसका स्क्वायर करके एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड कर देता है। एक नंबर नहीं चाहिए स्टील डिज़ाइन में अगर आपको, तो क्या करें, इस टेबल को याद मत करना। इस टेबल में दिया क्या हुआ है कि आप किसी मेंबर को कंप्रेशन मेंबर कब यूज़ कर सकते हैं, जब उसकी स्लेंडरनेस रेशियो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी हो। क्योंकि अगर ऐसा मेंबर यूज़ किया आपने, जिसकी लेटरल डाइमेंशंस बहुत कम है, मतलब स्लेंडर है, पतला है एज कम्पेयर टू इट्स लेंथ, तो उस केस में जब इसके ऊपर बहुत हैवी लोड लगेगा तो ये तो बकल कर जाएगा, कंप्रेशन में अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, बकल कर जाएगा। तो वो बकल ना करे इसलिए हम उसकी लेंथ को विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन लिमिट कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा इतनी यूज़ करना। तो हमने कहा कि आप एक मैक्सिमम वैल्यू बता रहे हैं ना लैम्डा की, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ये, तो हम कहेंगे आर की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम ले लो, कि लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। आर की वैल्यू अगर मिनिमम से मिनिमम होगी तो लैम्डा की वैल्यू आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल जाएगी, कि उस मेंबर की जो लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन हो सकती है वो ले लो आप। इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, इससे आप डिनोट कर देते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू अगर डेड लोड लग रहे हैं, कंप्रेशन मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर पर डेड और लाइव लोड की वजह से अगर कंप्रेशन आ रहा है तो 180। कंप्रेशन मेंबर अगर टेंशन मेंबर है, ये सारी वैल्यूज़ कैसे याद की आपने, ये सारी वैल्यूज़ आपने याद की कि अगर आपके पास कंप्रेशन मेंबर है और उसके ऊपर डेड लोड इम्पोज लोड के कारण कंप्रेशन ही आ रहा है तो उस केस में 180। टेंशन मेंबर है, डेड लोड इम्पोज लोड के कारण अगर उसमें कंप्रेशन आ जाए तो उस केस में 180 यूज़ करेंगे आप। अगर कंप्रेशन मेंबर है विंड लोड के कारण, अर्थक्वेक लोड के कारण उसके ऊपर कंप्रेशन आ रहा है तो 250 मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो। कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ अ बीम अगेंस्ट लेटरल टॉर्शनल बकलिंग 300। अगर आपके पास टेंशन मेंबर है लेकिन विंड लोड अर्थक्वेक लोड की वजह से उसके ऊपर कंप्रेशन आ रहा है तो उस केस में 350। मेंबर्स ऑलवेज अंडर टेंशन तो 400। ये टेबल याद कर लीजिएगा अच्छे से, ये टेबल अच्छे से याद कर लीजिएगा। देन आते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रट। इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रट से रिलेटेड आपको याद रखना है जो स्ट्रट्स यूज करते हैं। कॉलम की तो इफेक्टिव लेंथ की बात कर ली हमने, कॉलम की इफेक्टिव लेंथ हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली टेबल से कि कॉलम की इफेक्टिव लेंथ क्या होगी। अगर स्ट्रट्स की बात करें तो स्ट्रट्स के केस में डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है या कंटिन्यूअस स्ट्रट है। डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट के केस में दो रिवेट से अगर वो कनेक्टेड था तो उस केस में उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी कंसिडर की जाएगी, इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ के बराबर। अगर दो रिवेट से या फिर वेल्ड से कनेक्टेड है तो 0.85 एल के बराबर कंसीडर की जाएगी। अगर सिंगल रिवेट है तो एल, इसके अलावा कुछ अगर है तो 0.85 एल। सिंगल रिवेट के केस में आप उसकी परमिसिबल स्ट्रेसेस को 20% से घटा देते हैं, और अगर डबल रिवेटेड है या वेल्डेड है उस केस में आप एक्चुअल के बराबर ही उसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू को ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विड्थ ऑफ आउटस्टैंड। आउटस्टैंड क्या होता है, ये जो जितना बाहर प्रोजेक्टेड पोर्शन दिखता है, अगर कोई रिवेट लगी हुई होती यहाँ जैसे कि इस केस में दिख रहा है तो इस रिवेट के एंड के बाद ये जितना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे आउटस्टैंड बोलते हैं। तो ये विड्थ ऑफ आउटस्टैंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लेंज। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ वेब शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50 टाइम्स थिकनेस ऑफ वेब। इनसे रिलेटेड छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में आपको बोल देगा या सेक्शन दे देगा, कहेगा कि थिकनेस ऑफ वेब है 20 mm, थिकनेस ऑफ वेब 20 mm है, तो लोकल बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, इफ थिकनेस ऑफ वेब इज 20 mm देन टू प्रिवेंट लोकल बकलिंग द डेप्थ ऑफ वेब शुड बी, टू प्रिवेंट लोकल बकलिंग डेप्थ ऑफ वेब शुड बी। तो आप कहेंगे डेप्थ ऑफ वेब जो है वो 50 गुना से ज़्यादा ना हो उसकी थिकनेस के, तो 50 टाइम्स इट्स थिकनेस आंसर आ जाएगा।
और बताएं क्या हाल चाल, सब ठीक है? बहुत ज़्यादा है याद करने को। तो आप एक बात बताएं, हमें करना क्या है और कौन सा हल जोतने के लिए कहा जाता है आपको? क्या करना है आपको? पढ़ाई तो करनी है। स्ट्रक्चरल स्टील के करस्पॉन्डिंग ये कंसीडर करते हैं हम दोस्त, जो डेंसिटी कंसीडर कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वैल्यू याद रखना आप, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि थिकनेस ऑफ फ्लेंज अगर लेट से 15 mm दे रखी है तो 15 × 16, इससे ज़्यादा विड्थ ऑफ आउटस्टैंड नहीं होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, बिल्ट अप कॉलम्स की बात करें तो बिल्ट अप कॉलम्स से रिलेटेड लेसिंग बैटन इनके क्वेश्चंस बनते हैं। लेसिंग जो होते हैं वो इंक्लाइंड मेंबर होते हैं। लेसिंग की स्लेंडरनेस रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। लेसिंग की जो रेडियस ऑफ गायरेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन लेसिंग का T/√12 से कैलकुलेट करना है। सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, वैल्यूज पुट करनी, आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो लेसिंग के केस में 145 कंसीडर करते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है, 145 आंसर आता है जिसका। एंगल जो आप कंसीडर करते हैं लेसिंग का, एंगल कंसीडर करते हैं 40 से लेकर के 70 डिग्री के बीच में। एंगल कंसीडर करते हैं 40 से लेकर के 70 डिग्री के बीच में। वेल्डिंग के केस में 60 से लेकर 90 डिग्री का एंगल कंसीडर किया जाता है। देन आते हैं लेसिंग की मेन प्रॉपर्टीज़ पे। एंगल कितना है कर लिया कंसीडर। फिर उसकी इफेक्टिव लेंथ की बात करें तो इफेक्टिव लेंथ अगर सिंगल लेसिंग है जैसा इस डायग्राम में दिखाया हुआ है आपको, तो इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ के बराबर है। डबल लेसिंग अगर प्रोवाइडेड होगी तो डबल लेसिंग ऐसे क्रॉस बनाते हुए जो चलेगी उस केस में 0.7 टाइम्स ऑफ एक्चुअल लेंथ के बराबर होगी। वेल्डेड के केस में है तो भी 0.7 होगी। कम से कम थिकनेस कितनी यूज़ करेंगे तो इफेक्टिव लेंथ बाय 40 के बराबर यूज़ कर लेते हैं। कम से कम थिकनेस कितनी यूज़ करेंगे, लेंथ बाय 40। अगर डबल लेसिंग है तो लेंथ बाय 60 के बराबर यूज़ करते हैं। कम से कम विड्थ कितनी यूज़ करेंगे लेसिंग की, कम से कम विड्थ जो हम यूज़ करते हैं वो जितना रिवेट का डायामीटर होता है उसके 3 गुना करते हैं। रिवेट का डायामीटर 16 mm तो × 3 कर दीजिए। अगर रिवेट का डायामीटर 18 mm तो × 3 कर दीजिए। लगभग लगभग उसके आसपास की वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर आप लोकल बकलिंग को प्रिवेंट करना चाहते हैं। लोकल बकलिंग का अर्थ है अगर आप चाहते हैं कि इस जगह से लेकर के इस जगह के बीच का ये जो मेंबर है ये बकल ना कर जाए, ये यहाँ से ऐसे बकल ना कर जाए, अगर आप चाहते हैं कि ये मेंबर इस पर्टिकुलर लोकेशन से इस सी लेंथ में ऐसे बकल ना कर जाए, लोकल बकलिंग अगर प्रिवेंट करनी है आपको तो आप कहेंगे कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इसकी इफेक्टिव लेंथ यानी कि सी इस पर्टिकुलर, अगर ये चैनल सेक्शन है 3D में अगर आप ऑब्जर्व करें, अगर ये चैनल के फॉर्म में आपको दिख रहा है तो इस चैनल सेक्शन की रेडियस ऑफ गायरेशन, सो वो स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ दैट कंपोनेंट, उसकी इफेक्टिव लेंथ यानी कि सी और इसका रेडियस ऑफ गायरेशन, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल कॉलम के 0.7 टाइम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में ये मेंबर इसके बीच में से बकल नहीं करेगा। सो कंपोनेंट का शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50 और जो कॉलम है उसके 0.7 टाइम से ज़्यादा इसका स्लेंडरनेस रेशियो नहीं होना चाहिए। टैक रिवेटिंग यूज़ किया तो 40 और 0.6 टाइम्स ऑफ कॉलम, ये कम यूज़ आता है, ये ज़्यादा यूज़ आता है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है कि टू प्रिवेंट लोकल बकलिंग ऑफ कॉलम द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉम्पोनेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, आंसर आपका होगा शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50 या फिर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.7 टाइम्स ऑफ द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ बिल्ट अप कॉलम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात आती है लेसिंग्स के अंदर जो फोर्सेस आते हैं इनकी। फोर्स की बात करें तो एक लेसिंग को डिज़ाइन किया जाता है ट्रांसवर्स शीयर के लिए जिसकी वैल्यू होती है 2.5 टाइम्स ऑफ एक्सियल कॉलम लोड, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 2.5 टाइम्स ऑफ एक्सियल लोड। पूरे कॉलम पे जो लोड आएगा उसके 2.5 टाइम्स के लिए होती है, लेकिन डिज़ाइन करते हैं ट्रांसवर्स शीयर के लिए। लोड ट्रांसफर्स देख लीजिए, अलोंग द लेसिंग मेंबर लोड जो आता है वो वी बाय एन कॉसेक थीटा आ जाता है। एन होते हैं कितने शीयरिंग प्लेन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं।
वी बाई एन कॉसेक थीटा ये लगेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो वी बाई एन कॉट थीटा ये वैल्यू देखने को मिलती है। चलें नेक्स्ट, अगले टॉपिक जो हमारा आता है, इन दोनों में से अरेंजमेंट बेटर कौन सा है? इन दोनों में से अरेंजमेंट ए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये रिविट फेल हुई तो ये मेंबर भी गया, ये मेंबर भी गया। इस केस में अगर एक रिविट फेल होगी तो एक ही मेंबर जाएगा, केस ए की बात कर रहे हैं। तो ए और बी में से ए ज़्यादा बेटर है। देन आते हैं लेसिंग सिस्टम को डिज़ाइन किसके लिए करते हैं? लेसिंग सिस्टम को 2.5% ऑफ कॉलम लोड के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। फोर्सेज कितनी कितनी आती हैं? अगर दो पैरेलल प्लेन आपके पास हैं तो फोर्स इन लेसिंग सिस्टम सिंगल लेसिंग के केस में वी अपॉन टू साइन थीटा आ जाती है, या वी बाई टू कॉसिक थीटा आ जाएगी। वी अपॉन फोर साइन थीटा आ जाएगी डबल लेसिंग सिस्टम के केस में। बैटन्स अगर आते हैं तो बैटन के केस में इफेक्टिव लेंथ 10% से इंक्रीज़ कर दी जाती है। बैटन के केस में अगर इफेक्टिव लेंथ 10% इंक्रीज़ की तो स्लेंडरनेस रेशो भी 10% से इंक्रीज़ हो जाएगी। इफेक्टिव डेप्थ जो होगी, इफेक्टिव डेप्थ आपके पास बैटन्स की, तो ये बैटन है आपका, ये वाला बैटन, इस बैटन की इफेक्टिव डेप्थ जो है शुड नॉट बी लेस देन डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड ऑफ दीज मेंबर। अगर दो चैनल सेक्शन को मिला करके एक बिल्टअप सेक्शन बना रहे हैं तो इनके सीजी के बीच का जो डिस्टेंस है अल्फा, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए इसकी डेप्थ। और किससे कम नहीं होना चाहिए? हर एक इंडिविजुअल मेंबर की जो विड्थ थी, जैसे ये चैनल सेक्शन है, इसके ये जो फ्लेंज की विड्थ थी, इसके ट्वाइस से कम नहीं होनी चाहिए ये बैटन की डेप्थ। ये ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, पूछ ले। फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की बकलिंग प्रिवेंट करने के लिए या लोकल बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये जो मेंबर की लेंथ थी इसकी बकलिंग ना हो, इसके लिए हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की स्लेंडरनेस रेशो 50 से कम रहे, ओवरऑल कॉलम की स्लेंडरनेस रेशो के 70% से कम रहे, या 0.7 टाइम्स ऑफ कॉलम की स्लेंडरनेस रेशो से कम रहे। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। इंटरमीडिएट बैटन एंड बैटन के पूछने के चांस कम है, इसके पूछने के चांस ज़्यादा है। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बहुत ही टफ बनाना होगा, तब कैलकुलेट करवा के बोलेगा आपको, बोल देगा कि इस एंगल सेक्शन का रेडियस ऑफ गायरेशन जो है, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन इतना है। अगर ये कोई एंगल सेक्शन है, चैनल सेक्शन होगा तो चैनल सेक्शन का आपको बोलेगा कि इस चैनल सेक्शन का लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन इतना है और इसकी मेंबर की दो बैटन के बीच की लेंथ इतनी है। तो आप ये बताएं कि क्या लोकल बकलिंग होगी या नहीं होगी, तो ये क्राइटेरिया चेक करना है और बताना है, दैट्स इट। फोर्स इन बैटन्स की अगर हम बात करें तो वही नंबर ऑफ प्लेन्स में डिवाइड हो जाएगी जितने नंबर ऑफ प्लेन है। वी सी बाई एन अल्फा आपके पास आ जाएगी लॉन्गिट्यूडिनल शेयर की वैल्यू, मोमेंट भी अगर कंसिडर कर रहे हैं वी सी बाई टू एन आती है। किसके लिए डिज़ाइन करते हैं बैटन्स को? बैटन्स को भी 2.5% ऑफ कॉलम लोड के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। कॉलम स्प्लाइसिस का इस्तेमाल होता है कॉलम्स को एंड टू एंड ज्वाइन करने के लिए। एच बाई थ्री से एच बाई फोर फ्रॉम टॉप या बॉटम पे हम ये जॉइंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके एंड्स मशीन्ड है, इस कॉलम का ये जो एंड है ये एकदम मशीन्ड है, एकदम स्मूथ है, ऊपर वाला कॉलम नीचे वाले कॉलम के ऊपर एकदम अच्छे से रखा जाएगा प्रॉपरली, तो हम ये मान लेंगे कि 50% लोड एंड टू एंड ट्रांसफ़र हो रहा है। और बाकी 50% कैसे आ रहा है? इससे इस फास्टनर में आया, फास्टनर से इस प्लेट पे आया, प्लेट से ट्रैवल करके नीचे वाले पे गया। एक बार दोबारा देखें, ये कॉलम था ऊपर वाला, ये नीचे वाला, एंड्स मशीन थे, एक के ऊपर एक रखा गया प्रॉपरली। फिर आपने क्या किया, प्लेट से इसे ज्वाइन करा दिया, यहाँ पे फास्टनर लगाए, यहाँ पे फास्टनर लगाए। लोड कैसे ट्रांसफ़र हुआ? इस कॉलम से आया, फिर उसके बाद इस फास्टनर पे आया, इन फास्टनर के थ्रू इस प्लेट पे आया, प्लेट के ऊपर ऊपर ट्रेवल किया कवर प्लेट पे, फिर इन फास्टनर पे गया, इन फास्टनर से वापस नीचे गया। तो 50% लोड ऐसे ट्रांसफ़र हुआ, 50% ये एंड टू एंड जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं उनसे ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन अगर ये एंड स्मूद नहीं है, रफ़ हैं, अगर ये एंड्स मशीन्ड नहीं है, तो फिर पूरा का पूरा लोड इन प्लेट्स के थ्रू ही ट्रांसफ़र होगा, ये हम कंसीडर करके चलते हैं। नेक्स्ट आगे बात आ जाती है कॉलम बेस की, तो कॉलम बेस से रिलेटेड मेन बात यही है, कॉलम के लोड को किसी कंक्रीट के पेडेस्टल पे अगर ट्रांसफ़र करवाना है तो वहाँ पे आपको बेस की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो उसको पंच ना कर दे, उसको ख़राब ना कर दे। इसके लिए हम बेस प्लेट यूज़ करते हैं और नीचे कंक्रीट की फुटिंग यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक स्टील की बेस प्लेट यूज़ करेंगे या स्लैब बेस यूज़ करेंगे, फिर कंक्रीट की फुटिंग करेंगे।
टॉप व्यू से, ऊपर से अगर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा ये आई सेक्शन, साइड से देखेंगे तो आई सेक्शन ये कुछ इस प्रकार का हमें दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सी चीज़ याद रख लीजिएगा, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस बोल्ट की जो यूज़ करते हैं बेस में 120 MPa हम यूज़ करते हैं। फिर गजेट प्लेस और ज़्यादा हैवी लोड के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर आते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन, ग्रिलेज फाउंडेशन के अंदर मैक्सिमम शीयर जो आता है वो एट द एज ऑफ बेस प्लेट आता है, ये आप याद रखना। एक्सट्रीमली हैवी लोड्स के केस में ग्रिलेज फाउंडेशन यूज़ करते हैं। बीम सिग्मा बाय वाई इक्वल्स टू एम बाय आई इक्वल्स टू ई बाय आर, लेटरली अनसपोर्टेड बीम वो बीम होती है जिसे स्लैब के अंदर कास्ट नहीं किया आपने। लेटरली सपोर्टेड या लेटरली रिस्ट्रेन बीम वो है जिसे स्लैब के अंदर ही आपने कास्ट कर दिया। जब आप बीम की शीयर के अंदर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने जाते हैं तो उसकी वेब शीयर रेजिस्ट करता है, तो वेब की ये डेप्थ ना कंसीडर करके आप ये मान लेते हैं कि वेब ये पूरा का पूरा है, आप इतना वेब कंसीडर करके इसे डिज़ाइन करते हैं, इतनी सी डेप्थ नहीं मानते हैं। तो जब आप कैलकुलेट करते हैं वो कितना शीयर स्ट्रेस ले रही है तो वो शीयर फोर्स की वैल्यू अपॉन एरिया कैलकुलेट करते वक्त डेप्थ जो कंसीडर की जाती है वो एंटायर डेप्थ कंसीडर की जाती है, ये आपको याद रखना है। लोकल बकलिंग और लोकल क्रिपलिंग इनकी बात करें तो लोकली ये वाला पोर्शन, वेब वाला पोर्शन इस तरीके से बकल हो जाएगा। अगर वेब क्रिपलिंग की बात करेंगे, एक तो होता है वेब बकलिंग, बकल करने में सिर्फ ये बेंड हुआ, क्रिपल करने में अगर हम देखेंगे तो वेब क्रिपलिंग जॉइंट के पास कंसंट्रेटेड लोड लगने से होती है, तो ये मेंबर कुछ इस प्रकार से ऐसे बकल कर जाएगा यहीं पे, तो इसे वेब क्रिपलिंग बोलेंगे हम। लार्ज अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड स्ट्रेस लगने से ऐसा हो जाता है। गेंट्री गर्डर्स वो गर्डर्स होती हैं जो इंडस्ट्रीज के अंदर एक जगह से दूसरी जगह लोड को ट्रांसफ़र करती है। ये पूरा का पूरा क्रेन ब्रिज ऐसे मूव करेगा इनटू द प्लेन, और साथ ही साथ में इसके ऊपर ये ट्रॉली जो है या क्रैब वो मूव करेगी, या इसके ऊपर हुक लगा होगा उसके थ्रू आप लोड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो लोड्स को इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करवा सकते हैं इस ब्रिज के ऊपर, और ये पूरा का पूरा क्रेन ब्रिज ऐसे मूव कर सकता है। किसके ऊपर मूव करेगा, यहाँ पे आपको एक रेल दिखाई देगी, इस रेल के ऊपर मूव करेगा। इस डायग्राम में अगर इस फोटो में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रेल आपको दिखाई देगी। तो ऐसे हम लोड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कौन कौन से लोड्स गेंट्री गर्डर पर लगते हैं, एक तो इनका वेट ग्रेविटी लोड्स लगेंगे, दूसरा लेटरल डायरेक्शन में लोड लगेंगे। लेटरल डायरेक्शन में लोड का मतलब इसे बोल दिया हमने लेंथ वाली डायरेक्शन, इसे बोल दिया लेटरल डायरेक्शन। एक हो गया इसका डेड लोड, डेड लोड आपके पास जो इस पे आपने लगा रखा है यहाँ पर हुक से सस्पेंडेड है वो। लाइव लोड, वेट ऑफ द क्रेन, एक तो डेड लोड इसी का, लाइव लोड जो आपने सस्पेंड कर रखा है, फिर वेट ऑफ द ट्रॉली एट्सेट्रा, ये सब कंसिडर कर लेंगे, इस ट्रस का आ गया, इन सब के वेट आ जाते हैं। लेटरल डायरेक्शन में ये ऐसे मूव करेगा तो इसके चलने की वजह से, रुकने की वजह से जो लोड्स लगेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन का मतलब हो गया इस डायरेक्शन में, अब ये जो व्हील है आपका यहाँ पर इस रेल के ऊपर मूव कर रहा है तो इस पे जो लोड लगाएगा ये, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन के लोड, लॉन्गिट्यूडिनल के यहाँ पे, लेटरल के इसके ऊपर, और ग्रेविटी वाले डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगी रहे हैं। ये तीनों लोड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ग्रेविटी लोड इस डायरेक्शन में, लेटरल वाले इस डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडिनल इस डायरेक्शन में, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आप इम्पैक्ट कंसीडर करेंगे कि एक तो जब रुका हुआ लोड लगे, आप 1 kg का वेट आराम से अपने सर पे रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही 1 kg का वेट बहुत ज़ोर से ला करके अपने सर पे रखें तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, वो इम्पैक्ट लगेगा। अब आप क्या कर रहे हैं, या फिर बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा फोर्स एकदम से लगी, इम्पल्स लग जाता है, तो हम इम्पैक्ट लोड, सडन लोड की बात कर रहे हैं। अब ये जो इम्पैक्ट लगता है वो जब ट्रॉली या क्रैब पूरा मूव करेगा, जब क्रेन ब्रिज चलेगा या रुकेगा, तो इनके कारण जो इम्पैक्ट लगेगा, तो वर्टिकल लोड्स के केस में अगर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन है तो 25% से ये वैल्यू बढ़ा लेते हैं, मैनुअली ऑपरेटेड अगर है तो 10% से बढ़ा लेते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात कर रहे हैं इस रेल के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ये रेल है इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर आप कंसीडर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स ट्रांसवर्स टू द रेल, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड के केस में 10% से आप इंक्रीज़ कर देंगे, जितना भी वेट आपने लिफ्ट किया हुआ है उसका 10% इंक्रीज़ कर देंगे, वेट ऑफ ट्रॉली एंड वेट लिफ्टेड, मैनुअली ऑपरेटेड के केस में 5। हॉरिजॉन्टल फोर्स अलोंग द रेल, ये जो रेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस रेल के अलोंग ऐसे, या अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो इस रेल के अलोंग आप फोर्स देख रहे हैं,
तो उसको कितने परसेंट से इंक्रीज कर देते हैं, उसको आप इंक्रीज कर देते हैं 5% से, जब वो रुका हुआ था स्टैटिक व्हील लोड के करस्पॉन्डिंग। परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड और इनसे रिलेटेड छोटा सा एग्जांपल क्वेश्चन भी किया था। प्लेट गर्डर्स की बात करें तो प्लेट गर्डर्स लार्ज साइज की बीम्स ही होती हैं जिन्हें अलग अलग मेंबर्स को ज्वाइन करके हम बना रहे हैं। प्लेट गर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, प्लेट गर्डर के अंदर एक होता है कंप्रेशन फ्लेंज, एक होता है टेंशन फ्लेंज, इनके बीच में यहाँ पर होता है छोटा सा गैप। ये गैप कितने mm का होता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, 5 mm का गैप होता है। किस लिए प्रोवाइड करते हैं, इट इज़ मेंटेन बिटवीन फ्लेंज प्लेट एंड वेब प्लेट सो दैट डायरेक्ट बियरिंग एक्शन ऑफ द फ्लेंज प्लेट एंड वेब प्लेट इज़ प्रिवेंटेड, इसलिए प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन और क्या क्या आते हैं, ये पूरा कंप्रेशन फ्लेंज किससे मिलकर के बना, तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बताते हैं, ये बताएंगे आपकी एरिया ऑफ फ्लेंज इफेक्टिवली जितना कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है वो एरिया, प्लस ये बीच में जो वेब का पोर्शन, ये ब्लैक कलर की जो प्लेट है इसका वो पोर्शन जो बीच में एम्बेड हो रखा है, इसके बीच में यहाँ फिक्स हो रखा है, फंसा हुआ है यहाँ पर, वो वेब इक्विवेलेंट कहलाता है। तो वेब इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, एरिया ऑफ वेब बाई 6। अगर आप कंप्रेशन साइड पे बात करेंगे तो ये जो वेब इक्विवेलेंट है इसकी वैल्यू है एरिया ऑफ वेब बाई 6। अगर आप टेंशन साइड पे बात करेंगे तो यहाँ पे कितनी है, एरिया ऑफ वेब बाई 8 है। तो इस जगह अगर एरिया ऑफ फ्लेंज पूछा जाए तो एरिया ऑफ फ्लेंज प्लस वेब इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। इस जगह पर अगर एरिया ऑफ टेंशन वाली साइड पे एरिया ऑफ फ्लेंज पूछा जाए तो एरिया जो टेंशन फ्लेंज का प्लस एरिया ऑफ वेब बाई 8, इस तरीके से आपको इसे आंसर करना होगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब तक इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो क्वेश्चन आया है वो कैसा आया है, द एरिया ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज इन अ प्लेट गर्डर इज इक्वल टू, फिर 4 ऑप्शन दे रखे थे, करेक्ट आंसर उसमें होगा एरिया ऑफ फ्लेंज प्लस एरिया ऑफ वेब बाई 6। बाकी 2 ऑप्शन भी थे, एरिया ऑफ फ्लेंज प्लस एरिया ऑफ वेब बाय 8 एंड ऐसे कर करके 2 ऑप्शन और थे। ठीक है, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। फिर ये जो प्लेट गर्डर है इनके ऊपर बहुत हैवी लोड लगता है, हैवी लोड लग जाने के कारण इसका ये जो वेब है, ये वेब वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन, ये ऐसे बकल ना करे, ये वेब वाला पोर्शन लोड के कारण ऐसे बकल ना कर जाए। तो इस बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम स्टिफनर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं, स्टिफनर्स यूज़ करते हैं। तो ये एंड पे स्टिफनर यूज़ किया, ये बीच में स्टिफनर आपने यूज़ किए, तो इंटरमीडिएट स्टिफनर यूज़ कर रहे हैं। ये कौन से स्टिफनर यूज़ कर रहे हैं, वर्टिकल स्टिफनर दिख रहे हैं आपको इस डायग्राम में जो दिख रहे हैं, वो कौन से हैं, वर्टिकल स्टिफनर, लेंथ की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसीलिए इन्हें हम ट्रांसवर्स स्टिफनर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये इस गर्डर की लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो ट्रांसवर्स स्टिफनर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब ये स्टिफनर्स प्रोवाइड किए, जो एंड वाले स्टिफनर्स होते हैं इन्हें आप ऐसे मान सकते हैं कि एक कॉलम की तरह लोड रेजिस्ट कर रहे हैं, या सपोर्ट के ऊपर जो होते हैं उन्हें हम ऐसे कंसीडर करेंगे जैसे कि ये लोड की तरह एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट पे सबसे ज़्यादा शीयर आता है, तो वहाँ हमें थोड़ा और अच्छे से स्ट्रेंथ चाहिए होगी। अब ये स्टिफनर आप ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आप इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लेंथ की डायरेक्शन में अगर आपने प्रोवाइड किया तो इसे लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर के नाम से भी हम जानते हैं। तो वेब की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, वेब को स्टिफन करने के लिए, वेब बकल ना कर जाए, इसके लिए ये स्टिफनर हम यूज़ करते हैं। अगर आपके इफ़ेक्टिव डेप्थ ऑफ वेब, ये वेब की जो डेप्थ है 85 times थिकनेस ऑफ वेब से कम है, वेब की डेप्थ कम है, या यूं कह लीजिए कि वेब की जो डेप्थ है वो 85 times थिकनेस ऑफ वेब से भी ज़्यादा है, अगर ऐसा हो जाएगा, वंस अगेन, अगर आपका डेप्थ ऑफ वेब छोटा है, किससे छोटा है, 85 times थिकनेस ऑफ वेब, उससे ज़्यादा उसकी लेंथ नहीं है, तो उस केस में वेब बकलिंग नहीं होगी। अगर ये 85 से ज़्यादा हो जाए कि डेप्थ ऑफ वेब इज़ ग्रेटर देन 85 times इट्स थिकनेस, तो उस केस में आप ट्रांसवर्स डायरेक्शन के स्टिफनर प्रोवाइड कर देते हैं, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन के स्टिफनर प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि कहाँ मदद करेंगे, ड्यू टू डायगनल कंप्रेशन विच इज़ डेवलप्ड ड्यू टू शीयर फोर्स, डायगनल कंप्रेशन में वो मदद करेंगे। अगर ये वैल्यू 200 से ज़्यादा हो जाती है तो आप हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, कहाँ पर, एट डिस्टेंस ऑफ 0.2D फ्रॉम कंप्रेशन फ्लेंज, ऊपर वाले फ्लेंज से 0.2D पे आप यहाँ पर इस लेंथ वाले डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टिफनर प्रोवाइड कर देंगे। देन बात आती है कि अगर ये वैल्यू और भी ज़्यादा एक्सीड करने लगे,
250 से भी ज़्यादा आ जाए तो एडिशनल हॉरिजॉन्टल स्टिफनर आप प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर और एडिशनल स्टिफनर आप प्रोवाइड कर देंगे। अगर ये वैल्यू 400 से भी ज़्यादा है तो उस केस में सेक्शन को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। टेंशन मेंबर्स में आए तो टेंशन मेंबर्स का 90% ऑलरेडी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। टेंशन मेंबर्स के कुछ एग्जांपल की बात करें तो टेंशन मेंबर के एग्जांपल्स में आते हैं वायर्स जो हम देखते हैं, स्ट्रैंड किसको बोलते हैं, स्ट्रैंड होंगे बहुत पतले पतले वायर अगर मिल जाएंगे, एक कोर होता है सेंट्रल मेंबर थोड़ा सा थिक होगा, उसके अराउंड वायर बांधी हुई है, उसको उसके अराउंड रैप कर दिया हमने तो वो स्ट्रैंड बन जाता है। फिर ऐसे स्ट्रैंड से मिला करके एक और कोर के अराउंड, ऐसे स्ट्रैंड्स को मिला करके एक और कोर के अराउंड जब हम वाइंड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाती है, वायर रोप बन जाती है। तो ये क्या बन जाएगी, वायर रोप बन जाएगी। तो वायर रोप में, स्ट्रैंड में और वायर में डिफरेंस क्या है इस डायग्राम के थ्रू देख लीजिए। वायर एक सिंपल पतला सा तार है, उसे किसी कोर के अराउंड थोड़े से थिक डायामीटर वाली वायर के अराउंड अगर आप इसे बाइंड कर देंगे, एक थिक वायर के अराउंड एक पतली वायर को वाइंड कर दिया तो एक स्ट्रैंड बना। अब ऐसे स्ट्रैंड को एक सॉलिड कोर के अराउंड अगर आप वाइंड कर देंगे, इस कोर के अराउंड अगर आप वाइंड कर रहे हैं तो ये क्या बन जाती है, वायर रोप बन जाती है और इसकी स्ट्रेंथ और अच्छी हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये बनती है। सस्पेंशन ब्रिजेस के अंदर हमें ये देखने को मिलते हैं, बिल्डिंग ट्रस के अंदर टेंशन मेंबर देखने को मिलते हैं, हैंगर्स जो फ्लोर बीम को सपोर्ट करते हैं, ये फ्लोर बीम को यहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं वो टेंशन ले रहे हैं, ट्रांसमिशन टावर्स हो गए, या फिर आपको बिल्डिंग्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे जो इसेंट्रिक ब्रेसिंग मेंबर्स होते हैं उनमें आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको स्टे केबल ब्रिजेस हैं उनमें देखने को मिलेंगे, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में ओवरहेड टैंक्स की जो ब्रेसिंग्स होती हैं उनके अंदर देखने को मिलेंगे। इफेक्टिव एरिया जो टेंशन मेंबर का है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डक्टिलिटी फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस मेथड से आपने फैब्रिकेशन किया है, होल्स किए हैं तो उस केस में डिपेंड करता है, आपने होल्स पंच करके किए हैं या ड्रिल करके किए हैं, ज्योमेट्रिक फैक्टर्स पे डिपेंड कर जाता है, शीयर लैग के फैक्टर्स पे डिपेंड कर जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड कहता है, अब ज़्यादा ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है, IS कोड कहता है इन सबको मानो वन, सबको क्या करो वन कंसीडर करो, IS कोड खुद कह देगा होल ड्रिल करके कर लेना और इन सब की वैल्यू वन कंसीडर कर लेना, सिर्फ और सिर्फ शीयर लैग फैक्टर का ध्यान रखना, शीयर लैग फैक्टर तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो इन चारों पर टेंशन मेंबर का नेट एरिया डिपेंड कर जाता है, टेंशन मेंबर फेल कैसे होता है, कोई प्लेट कैसे फेल होगी, प्लेट फेल हो सकती है जब उसका ग्रॉस सेक्शन यील्ड कर जाए, हमने एक प्लेट को पकड़ा उसमें कोई होल नहीं है, उसको पकड़ के खींचते गए उसकी यील्डिंग हो रही है फिर वो फेल हो रहा है, तो उसे बोल रहे हैं ग्रॉस सेक्शन, पूरा ओवरऑल एरिया उसका जब यील्ड करने लग जाए तो ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। अब ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग के अंदर आप किस बात पर ध्यान देते हैं, आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि अगर यहाँ पर कहीं फास्टनर यूज़ किए हमने तो होल्स तो यहाँ किए, होल्स जब आपने इस पर्टिकुलर लोकेशन पे किए तो फेलियर के चांस तो यहीं ज़्यादा हैं, जब आप इसे खींचेंगे तो यील्डिंग तो यहाँ से भी होगी, यहाँ से भी इलोंगेट करेगा लेकिन यहाँ से भी करेगा, ज़्यादा इलोंगेशन इस साइड से आएगा क्योंकि यहाँ पर जॉइंट की विड्थ कम है एज़ कम्पेयर टू प्लेट की बाकी विड्थ ज़्यादा जहाँ है, तो नेट इलोंगेशन या ओवरऑल इलोंगेशन ज़्यादा इस तरफ आएगा, ग्रॉस सेक्शन पर ज़्यादा आएगा, तो ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग पर भी हमें ध्यान देना होगा। नेक्स्ट हो सकता है कि प्लेट आपकी कैसे फेल हो जाए, ऐसे फेल हो जाए, टेंशन में फेल हो जाए। नेक्स्ट हो सकता है कि ब्लॉक शेयर फेलियर हो जाए, ब्लॉक शेयर फेलियर में क्या होगा, ये पूरा का पूरा ब्लॉक ही हट जाएगा, ये बोल्ट या फिर रिवेट कहेगी मैं तो नहीं फेल हो रही, शेयर नहीं होंगे, तो ये मेंबर कह रहा है, ये प्लेट का मेंबर कह रहा है मैं बियरिंग में फेल नहीं होऊंगा, तो क्या होगा, ये मेंबर एक डायरेक्शन में शेयरिंग में, एक डायरेक्शन में बियरिंग में ऐसे कट जाएगा तो ब्लॉक शेयर फेलियर आ जाएगा इसके अंदर, तो वो हो सकता है, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। जो आप गामा की वैल्यू लेते हैं या गामा एम नॉट की वैल्यू, गामा एम की वैल्यू लेते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, अगर आप यील्डिंग के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज़ कर रहे हैं तो वो 1.1 यूज़ करते हैं, अगर यील्डिंग के कारण फेलियर आ रहा है, अगर मेंबर के अंदर, अगर टेंशन मेंबर में बकलिंग के कारण फेलियर देखने को मिल रहा है तो भी 1.1, अगर एक ऐसा मेंबर है जिसके अंदर अल्टीमेट स्ट्रेस को आप कंसीडर कर रहे हैं तो अल्टीमेट स्ट्रेस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 ले रहे हैं, रेजिस्टेंस गवर्न्ड बाय अल्टीमेट स्ट्रेस तो आप 1.25 लेते हैं,
बोल्ट्स आपके पास फ्रिक्शन टाइप बोल्ट्स, बेयरिंग टाइप अगर इनकी बात करें तो उनके केस में 1.25 आप यूज़ करेंगे, वेल्ड्स के केस में भी 1.25। तो बस डिफरेंस ये 1.1 वाला था, 1.1 और 1.25, 1.25 यूज़ करेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस के केस में। फिर डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर की बात करें तो टेंशन में डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनता है। गामा एम नॉट की वैल्यू कंसीडर करनी है 1.1, 1.1 क्यों कंसीडर करनी है, क्योंकि आप एफ वाई की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप, गवर्न्ड बाय यील्डिंग रेजिस्टेंस, गवर्न्ड बाय यील्डिंग की बात कर रहे हैं, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.1 यूज़ करते हैं। तो एफ वाई के ऊपर 1.1 लगाया और टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ आ गई ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में, टोटल सेक्शन की यील्डिंग में स्ट्रेंथ आ गई ये आपके पास, ये आई ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग की हमारे पास। देन उसके बाद बात करें नेट सेक्शन रप्चर या टेंशन की जो स्ट्रेंथ बता रहे हैं आप, जब वो प्लेट टीयर ही हो रही है होल्स के अबाउट, अगर वो टीयर हो रही है तो उस केस में आप कंसीडर करेंगे 0.9 FU डिवाइडेड बाय गामा M1 की वैल्यू आप 1.25 कंसीडर करेंगे। जब भी अल्टीमेट स्ट्रेस की बात आ जाएगी तो अल्टीमेट स्ट्रेस के केस में रेजिस्टेंस गवर्न बाय अल्टीमेट स्ट्रेस, तो उस केस में क्या यूज़ करेंगे, रेजिस्टेंस गवर्न बाय अल्टीमेट स्ट्रेस 1.25 यूज़ कर रहे हैं हम, तो 1.25 यहां पर आप फैक्टर यूज कर रहे हैं। नेट क्रॉस सेक्शन जो आता है, नेट इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन जो आता है, उसको भी कम मान करके हम कंसीडर करते हैं, ए नेट की जगह 0.9 A कंसीडर कर लेते हैं, तो ये 0.9 A नेट आपके पास आ रहा है। ब्लॉक शियर फेलियर के केस में, शियर में यील्ड करे टेंशन में फ्रैक्चर करे, टेंशन में यील्ड करे शियर में फ्रैक्चर करे, तो आपको ये वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो का टेबल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये टेबल सेम ही है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा। लॉन्ग जॉइंट कब कहेंगे, जब हम रिवेट्स यूज़ कर रहे हैं तो लॉन्ग जॉइंट तब कहा जाएगा जब लेंथ ऑफ जॉइंट इज़ ग्रेटर देन 15 टाइम्स नॉमिनल डाया, जब लेंथ ऑफ जॉइंट ग्रेटर देन 150 टाइम्स थ्रोट थिकनेस हो जाए तो वेल्ड के केस में उसे लॉन्ग जॉइंट हम बोल देंगे। ग्रिप लेंथ ऑलरेडी डिस्कस्ड है, थोड़ी देर पहले भी बात की थी। लिमिट स्टेट मेथड के लिए 5 टाइम्स नॉमिनल डाया से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शियर लैग क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग को शियर लैग कहते हैं। एक गजेट प्लेट पे आपको एक चैनल सेक्शन लगा हुआ दिख रहा है, अगर इस चैनल सेक्शन पे लोड आएगा तो लोड कहाँ ट्रांसफ़र होगा, इस गजेट प्लेट में कहाँ से ट्रांसफ़र होगा, इन रिवेट्स के थ्रू या सिर्फ इस वेब वाले पोर्शन के थ्रू, ये अनकनेक्टेड लेग्स जो हैं इनके थ्रू कोई लोड ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो जब इसे खींचा जाएगा, अगर इस पे पुल नेचर का फोर्स लग रहा है तो इसकी स्ट्रेनिंग ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा इलोंगेट करेगा वेब एज कम्पेयर टू ये फ्लेंज, तो शीयर का लैग आ जाएगा किस में, फ्लेंज में, फ्लेंज पीछे रह जाएगा शीयर में, इसमें ज़्यादा इलोंगेशन इसमें कम, तो शीयर लैग इफेक्ट आ जाता है। शीयर लैग इफेक्ट को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लग एंगल का इस्तेमाल करते हैं। लग एंगल आप ऐसे यूज़ कर लेंगे तो अब ये जो अनकनेक्टेड लेग था ये कनेक्ट हो गया इस गजेट प्लेट से, तो अब इसके थ्रू भी लोड ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा, शियर लेग का इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। अगर लग एंगल यूज़ नहीं करेंगे तो लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको ये लेंथ ऑफ कनेक्शन बहुत बढ़ाना पड़ेगा, बहुत आगे तक जोड़ना पड़ेगा इसे। लेंथ ऑफ कनेक्शन बढ़ गया, कनेक्शन की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, कनेक्शन की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, तो अब आप शियर लैग के इफेक्ट को कम करना चाहते हैं, लेंथ ऑफ कनेक्शन को कम करना चाहते हैं, लेंथ ऑफ कनेक्शन बढ़ाने से एफिशिएंसी रिड्यूस होगी, तो लेंथ ऑफ कनेक्शन भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं, एफिशिएंसी को रिड्यूस नहीं करवाना चाहते हैं, तो लग एंगल का आप इस्तेमाल कर लीजिए, जिससे आपका पर्पज़ यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब ये जो मेंबर्स हैं आपके पास, एक कनेक्टेड लेग हैं, एक अनकनेक्टेड लेग हैं, इनके एरियाज कैलकुलेट करने आपको आने चाहिए, इनके एरियाज आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए। लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, लोड कैरिंग कैपेसिटी विल बी मिनिमम ऑफ जितना उसकी ग्रॉस यील्डिंग कैपेसिटी है या जितनी उसकी फ्रैक्चर के अंदर कैपेसिटी है, इन दोनों का मिनिमम कंसीडर कर लेते हैं आप, इनका मिनिमम कंसीडर कर लेते हैं। इफेक्टिव एरिया को 0.9 टाइम्स कंसीडर करते हैं, तो ये भी हमने यहाँ पर देख लिया कि ए नेट को ए नेट इंटू 0.9 कंसीडर कर लीजिएगा जब भी टेंशन या टीयरिंग फेलियर की बात हो रही है।
ये टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट्स ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं जब हम टाइप्स ऑफ रिवेटिंग की बात कर रहे थे। जब भी इस तरीके की रिवेटिंग आपको देखने को मिलती है, स्टैगर्ड रिवेटिंग, स्टैगर्ड रिवेटिंग के केस में नेट एरिया कैलकुलेट करते वक्त बी माइनस नंबर ऑफ होल्स जितने हैं वो हटा दीजिएगा, फिर उसके अंदर ऐड कर दीजिएगा हर एक इंक्लाइंड लेग के लिए एक पैरामीटर आर स्क्वायर अपॉन 4g, आर स्क्वायर अपॉन 4g। तो r आपके पास क्या है, उन दोनों रिवेट्स के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, g परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस इन दोनों लाइंस के बीच का। तो आर स्क्वायर अपॉन 4g वाली टर्म आप ऐड कर देंगे हर एक इंक्लाइंड लेग के लिए जहां से भी फेलियर देखने को मिल रहा है। अगर एक प्लेट को आपने एक एंगल से कनेक्ट कर रखा है तो उस केस में शियर लेग फैक्टर किसके बराबर आएगा, 3 times ऑफ कनेक्टेड लेग का एरिया, 3 times a1 अपॉन 3 times ऑफ a1 प्लस a2। a1 और a2 क्या है, a1 है इस कनेक्टेड लेग का एरिया जिसमें आप क्या करेंगे, इतना एरिया कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे और इस एरिया में से भी ये वाला एरिया माइनस कर देंगे जो रिवेट के होल वाला एरिया है। तो पूरे a में से ये d माइनस किया, फिर ये छोटा सा यहाँ पर ट्रायंगुलर पोर्शन आप हटाते हैं तो वो छोटा सा ट्रायंगुलर पोर्शन हटाने के लिए आपने t/2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये डायमेंशन t होता है, ये डायमेंशन t होता है, तो हाफ़ इंटू t इंटू t वो माइनस करना है आपको। तो a माइनस d माइनस t/2 इंटू t कर दिया तो इफेक्टिवली वही बात हो गई कि टोटल a इंटू t से मल्टीप्लाई करने से पूरा एरिया, फिर स्मॉल a इंटू d से मल्टीप्लाई करने से ये एरिया, फिर हाफ इंटू t से ये एरिया, तो a इंटू कैपिटल t में से बाकी 2 हटा दीजिए तो यही एक्सप्रेशन बन जाएगा। एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग कैपिटल a1, अनकनेक्टेड का कैपिटल a2, a1 प्लस k टाइम्स ऑफ a2 टोटल एरिया बनेगा, और k क्या है, शियर लेग फैक्टर है जिसकी वैल्यू 3a1 अपॉन 3a1 प्लस a2 से आप कैलकुलेट करते हैं। अगर गजट प्लेट के सेम साइड पे दोनों एंगल सेक्शन को यूज़ किया और इनको बीच में टैक रिवेट से ज्वाइन भी किया, उस केस में शियर लेग फैक्टर आता है 5a1 अपॉन 5a1 प्लस a2। बीच में अगर टैक रिवेट नहीं है इसका मतलब वो इंडिविजुअली बिहेव कर रहे हैं, इंडिविजुअली बिहेव कर रहे हैं तो फर्स्ट केस ही हो गया हमारा। अगर ऐसा होता है कि एक एंगल सेक्शन इस तरफ, एक एंगल सेक्शन इस तरफ, गजट प्लेट के दोनों तरफ एंगल सेक्शन यूज़ किया आपने और इन्हें स्ट्रक्चरल रिवेट से ज्वाइन किया, वेल्ड किया तब की बात नहीं कर रहे, स्ट्रक्चरल रिवेट से ज्वाइन किया, उस केस में आप कहेंगे कि यहाँ शियर लेग फैक्टर की वैल्यू 1 कंसीडर कर लेना। अगर वेल्ड किया तो ये इंडिविजुअली बिहेव करेंगे, फिर तो अलग अलग इनका कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट बात आती है, ये ऑलरेडी कोड वाला पोर्शन यहाँ पे हमने ये शियर लेग फैक्टर्स में ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। नेक्स्ट रूफ ट्रस से रिलेटेड आ जाता है टॉपिक। रूफ ट्रस के अंदर मेन मेंबर्स के बारे में आपको जानना है। पर्लिंस किसको कहते हैं, पर्लिन हमारे वो मेंबर्स हैं जिन्हें बीम की तरह भी डिज़ाइन करते हैं, ये सारे ट्रसेस के थ्रू होते हुए जाते हैं तो पर्लिंस को बीम की तरह डिज़ाइन किया जाता है। देन एपेक्स, टॉप मोस्ट पॉइंट जो होते हैं उन्हें एपेक्स बोलते हैं, टॉप मोस्ट वाली जो बाहर आपकी है। फिर आते हैं बियरिंग, बियरिंग यानी कि दीवार या कॉलम के ऊपर जो आपने यहाँ पर इन्हें रेस्ट करवा रखा है ट्रस को, तो ये बियरिंग हो जाएगा, यहाँ पर वॉल प्लेट लगी हुई होगी। फिर आते हैं बॉटम कोर्ड्स, इस कॉर्ड को बॉटम कोर्ड कह रहे हैं, ये इंक्लाइंड वाले जो मेंबर्स हैं ये टॉप कोर्ड्स कहलाते हैं या जिन्हें राफ्टर के नाम से हम जानते हैं। इस बियरिंग के बियॉन्ड जितना प्रोजेक्टेड पोर्शन होगा वो कैंटिलीवर कहलाएगा। कॉर्ड किसको बोल देते हैं, ये मेंबर्स जो आपके पास हैं इन्हें कॉर्ड कह रहे हैं जो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। हील किसको बोल रहे हैं, हील जहाँ पर आपके टॉप और बॉटम कोर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टॉप और बॉटम कोर्ड जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं, हील बोल रहे हैं उस पॉइंट को। तो यहाँ पे हील है, वहाँ पे हील फॉर्म हो रही है। फिर जॉइंट्स, जहाँ जहाँ पे आपको ये नोड्स दिखाई दे रहे हैं या जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं वो जॉइंट्स या नोड्स आ जाते हैं। नोड पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर मेंबर्स, दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो नोड्स हैं। नॉमिनल स्पान कहलाता है आपकी बियरिंग्स तक का डिस्टेंस। नॉमिनल स्पान जो है वो जो आपकी सपोर्ट्स हैं या फिर बियरिंग है उनके बाहर तक का डिस्टेंस। क्लियर स्पान, इनर टू इनर डिस्टेंस जो होता है, दीवारों के अंदर का जो डिस्टेंस है वो क्लियर स्पान कहलाता है। ओवरहैंग पोर्शन, ओवरहैंग जितना बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है वो आपका ओवरहैंग हो जाएगा। ओवरहैंग को अगर आपने वर्टिकल लाइन में कट कर दिया ऐसे तो ये क्या कहलाएगा, प्लम कट कहलाएगा। अगर ओवरहैंग को आपने कैसे कट किया, इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे कट बना दिया इस पे, जैसे एक मेंबर आ रहा था, इस मेंबर को कट करने के तरीके क्या है, इसे आप ऐसे कट कर दें वर्टिकल लाइन में, तो ये कैसे कट गया, ऐसे कट गया, इसे प्लम कट कहते हैं। दूसरा तरीका है आप ऐसे कट कर दें इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर, ऐसे कट कर दें, तो ये कौन सा, स्क्वायर कट। तो प्लम कट में ऐसे वर्टिकल कट लगा देते हैं,
ये मेंबर था, प्लम कट में क्या किया ऐसे कट कर दिया इसे, और स्क्वायर कट में ये तो एक जैसा ही कट रहा है, ये भी एक जैसा ही हो रहा है। एनीवेज आप समझ जाइए, एक में तो ऐसा कट लगा और दूसरे केस में ऐसा कट लगा, स्क्वायर में इस लाइन के परपेंडिकुलर और इसमें ग्रेविटी वाली लाइन में कट आई है। नेक्स्ट पैनल, ट्रस सेगमेंट डिफाइंड बाय टू एडजेसेंट जॉइंट्स और नोड्स, उसे हम क्या बोल देते हैं, पैनल कह देते हैं। फिर आते हैं हमारे पास प्लम कट, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने, ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में अगर कट इसके ऊपर लग रहा है तो ये प्लम कट हम बोलते हैं इसे। फिर स्प्लाइस जो पॉइंट है, स्प्लाइस पॉइंट जहाँ जहाँ पे जॉइंट कर रहे हैं हम, तो ये स्प्लाइसिस आपको देखने को मिल रही है, जहाँ जहाँ पे हमने मेंबर्स को जॉइन कर रखा है तो वहाँ वहाँ पे स्प्लाइसिस हम यूज़ कर रहे हैं। स्क्वायर कट के केस में यहाँ पे ये कट कैसे लगा, स्क्वायर कट लगा। देन टॉप कोड राफ्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। स्टब एंड क्या होता है, एक पूरे ट्रायंगुलर ट्रस को अगर काट के सिर्फ इतना बना दिया ऐसे, तो ये ट्रायंगुलर पोर्शन पूरा, ये वाला साइड वाला ट्रायंगल हटा दिया, ये ट्रायंगल हटा दिया, अब सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ट्रस बीच में बचता है, तो इस एंड को बोल देंगे स्टब एंड है। ये कौन सा एंड है, ये स्टब एंड है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, और अगर Telegram पे आप नहीं जुड़े हुए हैं तो Telegram पे जुड़ सकते हैं, Telegram चैनल का नाम है संदीप जानी, सर्च कर लीजिएगा। Telegram ग्रुप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एक ही डिस्कशन ग्रुप है फिलहाल तो, लेकिन उस डिस्कशन ग्रुप के ऊपर आप मित्र आपस में डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई फेक आईडी बना करके अगर कुछ भी पोस्ट करता है, किसी भी प्रकार से आपको कोई ऐप डाउनलोड करने को बोल रहा है, कोई फेक ऐप डाउनलोड करने को बोल रहा है जो प्ले स्टोर पर नहीं है, कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है, कुछ भी शेयर कर रहा है, कोई भी पैसे की डिमांड कर रहा है, आपको रिच बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे दूर रहिएगा। साथ ही साथ में आपने अगर अपनी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसका लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या बेस्ट है प्ले स्टोर पर जाएं, संदीप जानी सिविल इंजीनियरिंग से सर्च करें तो आपको ऐप मिल जाएगी। ऐप के ऊपर अभी हमने टेस्ट जो है वो पोस्ट किए हैं, टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है, तो टेस्ट सीरीज़ अगर आप देना चाहते हैं टेस्ट, तो आपके एग्ज़ाम के करस्पॉन्डिंग, एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से, तैयारी के हिसाब से, उन पॉइंट्स के हिसाब से कि आप कहाँ कहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं, टेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं। एक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, बाकी ऑन द वे हैं, अपलोड होते रहेंगे और आप अटेम्प्ट करते चलिएगा। अगर आप किसी भी बैच में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं तो ये टेस्ट सीरीज़ अगर मेन होम पेज पे देखेंगे तो वहाँ बाय नाउ का ऑप्शन आपको दिखेगा, लेकिन ये कोर्स के साथ भी अटैच्ड है, तो आपने जो कोर्स लिया हुआ है उस कोर्स में जाएंगे, उसमें टेस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे ये आपको दिख जाएगा, वहाँ पे आपके लिए एक्सेसिबल होगा, तो आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के बाद आपको वहाँ पर आपका सारा एनालिटिक्स मिल जाएगा, कितने क्वेश्चंस किए आपने, कितने टाइम के अंदर किए, तो वो सारा डेटा आपको मिलेगा, कितने रॉन्ग हुए, कितने सही हुए, एक्यूरेसी क्या थी आपकी, परसेंटेज एंड ऑल एवरीथिंग आ जाएगा। साथ ही साथ में जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस थे वो लिस्ट आउट होकर के आएंगे, जो रॉन्ग क्वेश्चन थे वो लिस्ट आउट होकर के आएंगे सेपरेटली आपके, तो जिनसे उन्हीं पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे आप जाएंगे, जैसे रॉन्ग कितने हुए आपके उन पे गए, फिर रॉन्ग का सॉल्यूशन दिखेगा आपको वहाँ पे कि आपने क्या आंसर किया, एक्चुअल आंसर क्या था, तो आप चेक कर पाएंगे कि कहाँ पर गड़बड़ हुई और उसका ट्रू सॉल्यूशन क्या था, तो टाइम भी बच जाएगा आपका कि टू द पॉइंट पर जा रहे हैं आप, पूरा पेपर दोबारा नहीं देखना पड़ रहा, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, ओके, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं, फीडबैक वो भी नीचे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।